तो सभी को फिर से जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण मीना, सेल्स मास्टर, AITF की पूरी टीम की तरफ से और सभी एटोमियंस की तरफ से गाऊंगा, आपको हार्दिक स्वागत करता हूं यहां पर। और आज की जो मीटिंग है बहुत शानदार होगी, क्योंकि अगर आप इसको समझेंगे और इसको जानेंगे कि एक्चुअली जिसको कहते हैं क्या क्या कमियां हम कर रहे हैं और यहाँ पे कैसे कैसे वो खामियां हमको दूर करनी है, उसके बारे में हमारे डायमंड मास्टर आपको बताने वाले हैं। कौन बताने वाले? डायमंड मास्टर। और वो अपनी टीम में एकजुटता, मतलब कि एक एक उनका टीम, जिसको हम लोग कहते हैं टीम, कैसे काम करती है वो आपको बताने वाले हैं। इतना कुछ वो आपको बताएंगे, लेकिन वो सारी कहते हैं ना नॉलेज जो वो दे रहे हैं वो आपको लेनी है। कैसे लेनी है? कॉपी पेन ले लीजिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है और वो जानकारी लेने की जरूरत है, तो कृपया करके वो लीजिएगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डायमंड मास्टर अजीत सर के लिए एक चैट बॉक्स में क्लैपिंग हो जाए, उनका वेलकम हो जाए। मैं आप सबकी तरफ से यहाँ पे उनको वेलकम करूंगा। अजीत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्लीज मोस्ट वेलकम अजीत सर। थैंक अजय सर, सबसे पहले तो थैंक यू, आपने समय दिया। और आज हम जानना भी चाहेंगे कि आप इतना अच्छा मैनेज कैसे कर रहे हैं, कितना मतलब कि कोऑर्डिनेशन टीम के साथ कैसे बिठा रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं सर, ये जानकारी सबको मिल जाए तो मुझे लगता है सब लोग मतलब एक साथ बढ़ जाएं सर। ऐसा कुछ बताइए और सबका कुछ उद्धार कर दीजिए, मैं कहूंगा थैंक यू एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू। सबसे पहले अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, आपने मुझे इनवाइट किया। सेकंडली, मैं रितेश सर का और अरुण सर का थैंक्स करना चाहूंगा। और आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है कि सबको एकजुटता में हम कैसे रख रहे हैं और कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट सर? एक्चुअली सर, सबसे बड़ी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप यूनिटी नहीं रखोगे, अगर एकजुटता नहीं रखोगे, तो आपका कोई भी, मतलब ये मान लीजिए कोई भी लेवल कभी भी नहीं निकलेगा। और खास करके मैं अटोमी की बात करूं, तो अटोमी के अंदर हर हाल में हमने यूनिटी रखनी पड़ेगी, तालमेल सबके साथ रखना पड़ेगा। सबके इश्यूज होते हैं और वो हमें उनको सॉर्ट आउट करते ही आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से फैमिली है और फैमिली के अटोमी का जो फैमिली है, तो हमें सबको एक तरीके से देखना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरी सब जगह टीम है और मैं सब लोगों से कनेक्ट रहता हूं। और जितने भी हमारे, अच्छा मैं रोकना चाहूंगा, मोनिका शेरावत जी आ चुके हैं, तो एक राइट बार राइट सर, उनका मैं सर्च कर रहा हूँ सर उनको, आप कंटिन्यू करो सर। हैंडरेज है उनका भी। हाँ हाँ अच्छा, मैम, राइट, ऑलरेडी देख लिया तो सर। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग अटोमी जैसे कॉन्सेप्ट में अगर आपको सफल होना है, तो सबसे पहले आपको सभी को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका अचीवमेंट है और आप अपनी टीम को कभी इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि टीम के साथ ही आपका अचीवमेंट है। तो मैं सर सभी के साथ कोऑर्डिनेट रहता हूँ एवरीडे, मेरा सबसे बढ़िया यही तालमेल है और मेरी टीम भी इससे बड़ी खुश है। सर बिल्कुल, ये तो है। ये कैसे आपने मतलब कि मतलब क्या खास आप कर रहे हैं वो थोड़ा सा बताएं सर। अगर मैं खास की बात करूं तो देखो, ऐसा कोई नया चमत्कार नहीं है। और नॉर्मली अभी मेरा इंडिया के अंदर हर जगह टूर रहता है। मैं अपने जितने भी लोग हैं, लगभग मेरे 5 मंथ लगभग मुझे हो गया फील्ड में काम करते हुए लगातार, वैसे उससे पहले भी कर रहे थे, पर कंटिन्यू 5 मंथ हो गए, जिसमें मैंने 44,000 45,000 किलोमीटर का सफर तय किया है। और इसमें जैसे बहुत से लोग हैं, जब अगर हम पहुंच नहीं पाते हैं तो वो हमारे से नाराजगी जाहिर करते हैं, तो मैं सभी से टाइम लेता हूँ। यूनिटी का मतलब यही है कि सर हमारी भी एक कोर टीम है और कोर टीम से हम अपडेट करते हैं कि हमेशा की एकजुटता ही हमारे लिए सबसे बड़ा एक माध्यम है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। राइट, मतलब कि मैं ये कहूँ कि सर आप सबको, पूरी टीम को टाइमली टाइम दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा मंत्रा है। यस यस सर। ग्रेट, तो ये सबसे अच्छी बात है। और सर अचीवमेंट्स जो कर रहे हैं, जैसे आपने बोला कि अचीवमेंट्स, तो वो अचीवमेंट्स आप कितने इजी निकाल पा रहे हैं पूरी टीम के साथ में, ये बहुत खास बात है। तो कृपया वो भी अगर थोड़ा सा बताएं कि वो जो टीम एकजुट होकर कैसे वो हो रहा है सर। अगर अचीवमेंट की बात करूं तो लगभग जून मंथ से ही मैंने अपना गोल सेट किया हुआ है और एवरी मंथ मास्टरशिप का प्लान लेके चल रहे हैं।
और उसमें बहुत से जो है सेल्स मास्टर जो हमारी है जितने भी टीम के अंदर है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग मेरे इंडिया के अंदर 3 सेल्स मास्टर है प्रेजेंट में। तो सर अगर हम माइक्रो गोल लेके चलते हैं, एवरी डे का मेरा टारगेट रहता है, मैं कभी भी अगर बहुत टाइम हो गया एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एक सिंगल दिन। तो ये सबसे बड़ा माध्यम है कि अगर आप खुद काम कर रहे हो तो आपका मास्टरशिप का अचीवमेंट इजिली हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि उससे क्या है कि टीम आपको फॉलो कर रही है, टीम हमेशा ये नहीं कि टीम आपको देख रही है आप क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो उसको नहीं देख रही है आप कर क्या रहे हो। तो ये बड़ा मैसेज है टीम के लिए भी। मतलब कि सर का जो कहना है, जो मैं समझ पाया हूँ, आप जो बोलते हैं वो टीम नहीं करती है, लेकिन आप जो करते हैं वो टीम करती है। तो आपको टीम के लिए करना पड़ेगा, तभी टीम भी साथ में करेगी। करेक्ट सर? यस 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 सर। ग्रेट सर, बहुत शानदार। तो आप अपनी तरफ से सर कुछ टिप्स जो भी देना चाहते हैं पूरी टीम को, वो कृपया करके दीजिए, ताकि हम लोग जिसको कहते हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में, क्योंकि नवंबर आ रहा है सर, सब लोगों ने गोल सेट किया हुआ होगा, और कैसे आप लोगों ने भी किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर दे तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और सर टिप्स यही है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो, अगर एटोमी की बात करें तो कोविड के जो टाइम था वो एक ऑनलाइन था। आप जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे आपका अचीवमेंट कभी भी नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जितने भी लीडर अगर यहाँ पे आज मौजूद हैं, हमारे इंडिया के टॉप टॉप लीडर सभी मौजूद हैं, और मैं बात करूँ तो सेंट रोज मास्टर तक हैं, तो उन्होंने भी अगर अपना अचीवमेंट किया है तो ये आज उसको मेंटेन करके चल रहे, तो फील्ड में है। मैं भी आप सभी एक्टिविटी हम देखते रहते हैं, सभी लोग एक साल लगातार जितने भी साथी हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई जो पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में अगर काम कर रहे हैं तो जितना टाइम वो दे रहे हैं तो शिद्दत से दीजिए। ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम नाम हो गया और 1 वीक में भी वो कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। मेरा मेरी टीम का सबसे बड़ा मकसद हमारा यही है कि मैक्सिमम हम फील्ड में काम करें। और इंडिया के एमडी भी यही कहते हैं, जितने भी सेमिनार होते हैं उनका भी मैसेज यही है कि आप यही समझो कि अटोमी की शुरुआत इंडिया में अभी हुई है। राइट सर, बिल्कुल। थैंक यू, आपने जो बातें बताई हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल 100%। कितने लोग एग्री करते हैं अजीत सर से कि फील्ड में जाए बिना अचीवमेंट नहीं होगी? अगर आप अजीत सर से बिल्कुल एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको अचीवमेंट चाहिए तो अगर, उम्मीद करता हूँ अजीत सर की जितनी बातें आपने नोट करी होंगी और वो सारी चीजें आप करेंगे तभी अचीवमेंट आएगी। ऑफलाइन का दौर आ चुका है, मैं कहूंगा पूरी एटमी टीम, मतलब कि एटमी मैनेजमेंट टीम जब ऑफलाइन जा रही है, पूरे महीने का टूर है, अजीत सर ने जैसा बताया उनका पूरा महीने का टूर होता है, तो आपका क्या है, क्या आपने वो प्लान किया है, क्या वो आप अपनी टीम को वो टाइम दे रहे हैं जो अजीत सर दे रहे हैं? अगर आप वो सेम चीजें जो अजीत सर कर रहे हैं, तो आपको भी कोई डायमंड मास्टर या सेल्स मास्टर बनने से, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि कोई रोक सकता है, आपको भी उतना ही काम करना पड़ेगा जितना अजीत सर ने किया। करेक्ट सर? यस 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 सर। राइट, तो थैंक यू कहूंगा अजीत सर आपको। और फील्ड में कैसे आप काम कर रहे हैं आपने दिखा दिया, आप अपनी टीम को कैसे साथ लेके चल रहे हैं ये आपने दिखा दिया। अब मैं आपको दिल से धन्यवाद करूंगा, आपने इतनी जो जानकारी दी और अपनी टीम को जो एकजुट कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले तो आपके लिए क्लैपिंग करूंगा। ये सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी कमजोरी है एटमी में, जिसने भी अपनी टीम को एकजुट नहीं रखा वो अचीवमेंट नहीं ले पा रहा है, और जिसने भी अचीवमेंट ली है उसकी टीम एकजुट है। करेक्ट सर? राइट, यस यस सर, बिल्कुल राइट। थैंक यू कहूंगा जी सर, आपने जो टाइम दिया। अब मैं नेक्स्ट हमारे स्पीकर को बुलाना चाहूंगा और उन स्पीकर की बात करें तो मैम, मतलब कहते हैं ना कि एक तो वुमेन्स कैसे काम करना चाहिए और वो कैसे शानदार काम कर रहे हैं, अचीवमेंट भी ले रहे हैं, मतलब कि बहुत शानदार। तो मैं बात किसकी कर रहा हूँ, सेल्स मास्टर कुंडू मैम की। तो मैं आप सब से फिर से कहूंगा, उनको प्लीज वेलकम कर दें, मोस्ट वेलकम कुंडू मैम, आपका स्वागत है, प्लीज आइए। मेरी वॉइस आ रही है कुंडू मैम? सर एक बार जोगिंदर सर को भी देख लें एक बार, वो कोहोस्ट नहीं है शायद, जो हमारे सेल्स मास्टर जोगिंदर सर हैं। ओके, मैं देख लेता हूँ कुंडू मैम तब तक।
प्लीज वेलकम मैम। वॉइस आ रही मैम? मैम सुन पा रहे हैं आप? आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम, जरा माइक को चेक कर लीजिए। मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए मैम। मैम एयरफोन चेक कीजिए, एयरफोन आपका हटा के कृपया करके एयरफोन, वॉइस नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी, उनको आवाज जा रही है शायद, उनके पास आ नहीं, उनकी आ नहीं रही, आ नहीं रही है वो माइक, माइक इसलिए मैंने कहा आपका माइक्रोफोन जो भी लीड लगाया मैम या जो भी है आप उसको उसको जरा चेंज कीजिए मैम, हटा के एक बार। नहीं लीड तो नहीं लगा रखी एक्चुअली, उन्होंने एयरफोन नहीं है उनके पास। अच्छा तो मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। सेकंड फोन से मैडम ज्वाइन कर लीजिए, एक और फोन से एक बार दोबारा से कनेक्ट कराओ सर, दोबारा से कनेक्ट कराओ मैम, दोबारा से कनेक्ट करो आप एक बार प्लीज, और हैंड रेज करो कर दीजिएगा राइट। तो देखिए मैम बहुत शानदार काम कर रही हैं, और वुमेन्स वुमेन्स कैसे अच्छा काम करेंगी और क्यों उनको यहाँ पे एटमी में काम करना चाहिए, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी क्यों है वो आपको बताने वाली हैं। मैं मैम को जल्दी से देखता हूँ ताकि वो आ जाएं, तो हम उनके पास डायरेक्ट चलेंगे। और जोगिंदर सर अगर आप आ गए हो तो कृपया करके हैंड रेज कर दें। जोगिंदर सर जोगिंदर सर मैम आप भी आ जाएं तो कृपया करके हैंड रेज कर दीजिएगा। कुंड मैम कुंड मैम अभी नहीं आ पा रही हैं, तो जैसे ही जो होते हैं मैम आती हैं उनको हम एक चीज थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूँ। अजीत सर ने सारी चीजें बता दी, आप लोग कृपया करके जल्दी से जल्दी जितनी ज्यादा हो सके हिमो हिम पे नॉलेज ले लीजिए, क्योंकि कमाल हो रहा है, धमाल हो रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको कि कितना बेमिसाल हो रहा है। अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, तो आप क्या कर सकते हैं आपको शायद खुद को भी नहीं पता होगा राइट। मैं बहुत कमाल कर रहा हूँ, मुझे भी ऑटोमेटिक ऑर्डर मिल रहे हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जल्दी से हम चाहते हैं हम टॉपिक पे रहें और मैम आ जाएं। कुंडू मैम तो यस जस्ट मैम प्लीज वेलकम मैम, अनम्यूट कर सकते हैं आप जी। हेलो यस मैम प्लीज वेलकम मैम, आपका स्वागत है मैम प्लीज। ओके थैंक यू सर, थैंक यू अरुण मीना सर और अनु सर, रितेश सर, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आईटीएफ का जो है, आप लोगों ने हम सबको मौका दिया बोलने का। और जो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी, मैं मिसेस मुकेश सेल्स मास्टर इन एटोमी, और एटमी करते हुए मुझे लगभग 2 से 3 साल के लगभग हो गए हैं, और बहुत ही पैशन के साथ मैं एटमी कर रही हूँ। एटमी में आने से पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में थोड़ी सी मेरी राय भी अलग थी, मुझे लगता था कि शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग कभी नहीं करूंगी, बट जैसे मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई मैंने प्लान समझा, देखा, जाना नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और देखा कि वाकई में ना जितना मैंने सोचा था कि टीचिंग लाइन में जितनी रिस्पेक्ट है उससे कहीं अधिक रिस्पेक्ट मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे मिली। और जब एटमी का प्लान देखा हमने जाना, तो मुझे लगा कि वाकई में जो हम काम कर रहे हैं टीचिंग लाइन हमारी सही है, स्कूल चला रहे हैं नो डाउट, बट साथ में एक इनकम का सोर्स भी होना चाहिए, वो हमने महसूस किया कोरोना टाइम में। और कोरोना टाइम में मैंने एटमी ज्वाइन की थी, तब मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि एक काम और होना चाहिए जो मुझे करना चाहिए, और इतना सुंदर प्लेटफॉर्म मुझे मिला एटमी का, और मैं इसके लिए थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन जो कि डायमंड मास्टर हैं अजीत चौधरी द्वारका दिल्ली से, जो अभी एज ए स्पीकर यहाँ पे बोल रहे थे। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे कि आप हमारा जो आपका पहला जो क्वेश्चन आप प्लीज पुट कीजिएगा ताकि मैं जवाब दे सकूं। मैम एक तो सबसे पहले आप ये बताएं कि एक तो आप वुमेन्स जितनी भी हैं उनके लिए एटमी क्यों खास है, और कितना दिक्कत है, मतलब कि इजी भी कहूंगा कि वो कर सकते हैं ये, मतलब इजी से बता दें कि वो बहुत जल्दी से एटमी में ज्वाइन करें और अपने आप को एक अच्छी सी सक्सेस ले। बिल्कुल राइट सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक तो सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी, वैसे तो बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां
जो है मार्केट के अंदर लीड रन कर रही हैं, बट हम किसी कंपनी को डिग्रेड नहीं करते, लेकिन हमारे एटमी के अंदर कुछ खास चीजें हैं जो कि दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों से इसको बिल्कुल अलग करती हैं। जब हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो ज्वाइनिंग फीस है वो नहीं लगती है, उसके बाद हर महीने हमें परचेजिंग नहीं करनी होती, 3 जनरेशन का प्लान है, टोटल ऑनलाइन बिजनेस है, ये चीजें हैं जो अलग करती हैं बिल्कुल और कंपनियों से। उसके बाद हम यहाँ पे कम खर्च में, मतलब कम खर्च में भी क्या कहें, जो हम प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका पे, मतलब कि कंपनी को साथ ही साथ हम जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसको, मतलब कि हमें पी भी वहां से मिल रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट हम यहाँ से ले रहे हैं, उसके बाद हम बहुत कम, मतलब कि बहुत कम पैसे खर्च करके एक बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ पे सिर्फ 2,000-2,500 रुपए खर्च करके 10,000 PV कर सकते हैं, और वहां पे हम 10,000 PV से दोनों लेफ्ट और राइट जब हमारी टीम काम करना स्टार्ट कर देती है, 3-3 लाख PV पे हम अपना इनकम लेना स्टार्ट कर देते हैं। इतना कम, मतलब कि इतने कम खर्च के अंदर इतना ज्यादा पैसा और कहीं नहीं मिलता एटमी के अलावा। उसके बाद दूसरा मैं बोलना चाहूंगी इन द टाइमिंग ऑफ इमरजेंसी लेडीज के लिए, मैं बिल्कुल भी मतलब किसी को यूं किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बट एक बात सोचिए, जो आज परिवार का मुखिया है, जो अर्न कर रहा है, जो परिवार का भरण पोषण कर रहा है, भगवान ना करे कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ उसके साथ ऐसी दुर्घटना हो जाए, वो कल को ना रहे, मैं खासकर जो हाउसवाइफ हमको बोलना चाहूंगी, फिर क्या करेंगी ऐसी स्थिति में, वो कहाँ जाएंगी? क्योंकि आपको पता है जो कि घर परिवार है बहुत अच्छा है, घर परिवार होगा मैं मानती हूँ, बट एक समय के बाद सब पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। वहां पे आपको खुद खड़ा होना है अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। तो एक बात बताइए, वो स्थिति आने से पहले क्यों ना हम अपने आप को रेडी कर लें। दूसरा मेरा तीसरा पॉइंट है यहाँ पे, टू मीट द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, परिवार की जीविका के लिए अगर आप एक अच्छा पे आउट यहाँ से ले रहे हैं तो आप अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हैं, अपने बच्चों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं, हर बार उनको कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, मतलब उनको भी बहुत अच्छा लगेगा कि मम्मा कमा रही है, मतलब वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं बच्चे, जब एक लेडीज कमाती है तो मम्मी की एक अलग ही, मतलब अलग ही उनकी नजरों में उनकी रिस्पेक्ट होती है, उनका सम्मान होता है। उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए भी लेडीज को एटॉमिक करनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की कमाई के 500 रुपए भी हैं, मैं किसी भी हस्बैंड को, मतलब यहाँ पे बुरा मानने वाली बात नहीं है, अगर आपके पास एक लेडीज के पास खुद के अगर 500 रुपए भी हैं और उसके हस्बैंड के लाखों रुपए अगर उनकी जेब में, तो वो 500 रुपए उनकी जेब पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि 500-500, 1,000-1,000 रुपए के लिए मैं मानती हूँ अगर आपको अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाना पड़े, तो मतलब जब आप काम कर सकती हैं, जब खुद के लिए आप, मतलब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें एटमी के रूप में मिला हुआ है, वहां से हम अर्न कर सकती हैं, तो क्यों फिर हम 500-500, 1,000-1,000 रुपए के लिए हाथ फैलाएं? अब देखिए करवा चौथ आ रहा है, सबको चाहिए कि फेशियल वेशियल करवाना है सबको, 1,100-1,200-2,000 से कम होना नहीं है। अगर आप खुद कमा रही हैं तो आपको जरूरत ही नहीं है पैसे मांगने की। मैं ये नहीं कहती कि सारे हस्बैंड एक जैसे हैं, बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो पूछते भी नहीं है कितने पैसे उनकी वाइफ खर्च कर रही है, बट सब एक जैसे नहीं होते, हमें हिसाब देना पड़ता है कि इतने पैसे हमने यहाँ लगाए, इतने यहाँ लगाए, तो बिल्कुल लिमिट में ही हम वहाँ पे अपने ऊपर पैसे खर्च कर सकती है। उसके बाद टू स्टॉप फीलिंग हेल्पलेस, अपने आप को हेल्पलेस मत बनाइए, खुद अर्न कीजिए, क्योंकि एटमी के रूप में हमें बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और ये हमें पता है कि एक बहुत बड़ा समुद्र हमारे हाथ लगा है, चाहे आप बाल्टी भर के निकाल लीजिए, चाहे जग भर के, चाहे ग्लास भर के, अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको यहाँ पे किस तरीके से काम करना है। तो होप सो मैंने अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर दे दिया होगा, तो आप सेकेंड क्वेश्चन कर सकते हैं। राइट मैम, बिल्कुल आपने वो बहुत अच्छे से ब्रीफिंग, मैं कहूँगा बहुत ज्यादा डिटेल में ब्रीफिंग कर दिया है मैम। कितना मुझे लगता है फीमेल्स के लिए इजी से एटमी वो कर सकते हैं, क्या मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल सर, सही कहा आपने, बिल्कुल इजीली ये आप जो हमारा एटमी प्लेटफॉर्म है, एटमी एक ऐसी कंपनी है जिसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो पूरे पैशन के साथ एटमी कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने जो अपलाइन है उन पे भी फेथ कीजिए, अपने डाउनलाइन पर फेथ कीजिए, कोऑर्डिनेशन बना के चलिए, सबके बीच अच्छे रिलेशन डेवलप कीजिए। यूं अगर किसी को किसी से शिकायत हो तो प्लीज मैं तो कहूंगी कि खुद फोन करके कंफर्म कर लीजिए, ना कि किसी बातों किसी की बातों पे आपको यहाँ पे जाना नहीं है, दूसरा बंदा बढ़ा चढ़ा कर ही बात करेगा। अगर खुद आप बात करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद
अगर यहाँ पे मैं उन वुमेन के लिए भी बात करना चाहूंगी जो हाउसवाइफ है, जो वर्किंग वुमेन है, या फिर जो कॉलेज गोइंग गर्ल है, वो भी इसको इजिली कर सकते हैं। क्यों, कैसे? कई बार क्या होता है कि एक बार आपने नोटिस की होगी, जब हम एक लड़की के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, अगर उसकी शादी हो जाती है तो कहीं हस्बैंड जॉब करते हैं तो उनको उनके साथ जाना पड़ता है और अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है, हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। हमारे इंडिया के अंदर ये ऐसा है कि लेडीज ही हमेशा कंप्रोमाइज करते हैं। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि मत कीजिए, हम परिवार के खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें परिवार के साथ रहते रहते अपने बच्चों की देखभाल करते करते तब हमें एडमिन बिजनेस करना है, ना कि हमें उनके खिलाफ जाना है, क्योंकि सबसे पहले वही कड़ी है जो हमारा साथ देंगे। अगर वहां से हमें साथ मिलता है तो हम फिर सक्सेस होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर ये लड़कियां बिजनेस करती हैं तो कहीं पर भी अगर वो जाती हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग एटमी और एटमी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे वो इजिली इसको कर सकती हैं। बेसक से अगर कुछ दिन के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो मतलब यहाँ पे कोई उनको मतलब फांसी नहीं चढ़ाने वाला है कि इतने दिन आप कहाँ थे या काम क्यों नहीं किया। कई बार हो जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है इंसान की लाइफ में, तो वहां पे आप इसको इजिली कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से पैसिव इनकम, आप सबको पता है प्रोडक्ट यूजर बनिए, क्योंकि जब तक हम खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे हम किसी को बता ही नहीं सकते कि किस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है। प्रोडक्ट जब आप यूज कर रहे हैं तो वो कॉन्फिडेंस आपके फेस पे बिल्कुल अलग से झलकेगा कि हाँ वाकई में आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब हम किसी पार्लर पे जाते हैं हमें वहां पे रिकमेंड किया जाता है कि हम आप ये फेशियल ले लीजिए, इससे आपकी छाइयां दूर हो जाएंगी, इससे आपके डार्क सर्कल दूर हो जाएंगे, तो हम है ना जो पार्लर वाली है ना हम उसके फेस पे देखते हैं सबसे पहले। अगर उसका फेस हमें अच्छा नहीं लगता तो हम पीछे हट जाते हैं। जब ये खुद ही इनका फेस इतना गंदा है तो हमें क्या सजेस्ट कर रही है। तो एक बात बताइए, जब हम खुद प्रोडक्ट यूज करेंगे, खुद उसके रिजल्ट लेंगे, तो कॉन्फिडेंटली आप बता सकते हैं सामने वाले को कि इस प्रोडक्ट के ये रिजल्ट है, और वो आप पे फेथ भी करेगा और खुद आपने प्रोडक्ट को यूज भी किया, आपने इसके रिजल्ट भी देखे हैं, तो आपको खुद मतलब कि ये लगेगा कि हाँ मुझे ये मतलब इसको प्रोडक्ट उसको जो भी आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं सही कर रहे हैं। कभी भी प्रोडक्ट चिपकाने की आप कोशिश मत करना, जिस प्रोडक्ट की उसको जरूरत है वही प्रोडक्ट आप उसको देंगे, क्योंकि एक बार तो हम झूठ बोल के सामने वाले को कोई प्रोडक्ट दे सकते हैं बट लंबे समय तक वो हमारा कंज्यूमर नहीं बनेगा, ये बिल्कुल आप याद रखिएगा। उसके बाद कंपनी का प्लान आपको अच्छे से आना चाहिए, कंपनी किस तरीके से पे आउट देती है, किस तरीके से हमें यहाँ पे काम करना है, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी कंपनी की कंपनसेशन प्लान की तब भी हम किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते, क्योंकि कंपनसेशन प्लान जो है कंपनी का या फिर हमारे बिजनेस का रीढ़ की हड्डी है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके क्वेश्चन का बिल्कुल बिल्कुल मैम, जो प्रोडक्ट आपने बताया कि प्रोडक्ट यूज करके ही इजिली वो एटमी को कर सकते हैं और उसी को बता के बहुत इजिली अर्निंग भी कर सकते हैं, और आप सेल्स मास्टर भी है मैम, तो अगर उसका भी रास्ता आप उन सबको बता दें कि उनका मतलब कि आपने कैसे आसानी से इसको किया, तो ताकि वो भी इसको आसानी से कर दें, क्या करें? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैम आप सेल्स मास्टर बन चुके हैं ऑलरेडी, तो वो आसानी से वो कैसे सेल्स मास्टर बने वो बता दें। सर बात ये है कि आसान कुछ भी नहीं है बट मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि जब भी आप कोई लेवल अचीव करना चाहते हैं या जब भी आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं तो एक कभी भी एक रत्ती भर भी संदेह डाउट आपको अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको मतलब ये सोच लीजिए, हमने जो लेवल अचीव करना वो तो मैंने सोचा था जब मैंने ये लेवल अचीव किया कि मुझे एक दिन पहले ये लेवल अचीव करना है, मुझे एक से हमने टारगेट 1 से 15 तक का, लेकिन हमने ये टारगेट 4 तारीख को लिया था और 14 तारीख को मैंने ये लेवल अचीव कर लिया था, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि मुझे 15 तारीख से पहले ये लेवल अचीव करना है। उस बीच एक रत्ती भर भी डाउट मेरे मन में नहीं था कि मैं सेल्स मास्टर नहीं बनूंगी, क्योंकि उसे पहले मैंने सोचा भी नहीं था, मैं सोच रही थी कि इनकम आ रही है, पे आउट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैंने ठाना, मैंने अजीत सर हिसार में आए हुए थे, मैंने उनको कहा कि सर मुझे अब की बार सेल्स मास्टर अचीव करना है, तो सर ने मेरे को कहा मैडम 4 तारीख है, आपको पक्का फाइनल है? मैं कहा सर बिल्कुल पक्का फाइनल है। मेरी पूरी टीम ने, मेरे अपलाइन ने मेरा पूरा सहयोग दिया, पूरा साथ दिया, और मैं बहुत इजिली जो है यहाँ पे सेल्स मास्टर बन गई थी। उसके बाद मैं आपको एक बात और सब लेडीज को बोलना चाहूंगी, कोई भी काम करें पूरे पैशन के साथ कीजिए, कभी ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, जब आप कुछ नहीं करेंगे तब भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम उंगली उठाना है। लेकिन जब आप लेकिन एक समय के बाद जब आप सक्सेस हो जाएंगे और मतलब खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से, आपके स्वभाव से, आपके व्यवहार में
कभी आपका व्यवहार गलत नहीं होना चाहिए, आपका स्वभाव जो किसी के प्रति भी मतलब कट्टर नहीं होना चाहिए। आपको लगता है कहीं किसी के मन में डाउट है तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी, क्योंकि हम हर किसी के हिसाब से, कईयों को हमारे ऑर्डर पहनने से दिक्कत होती है, कईयों को हमारे बोलने से दिक्कत होती है, मतलब लेकिन हम हर किसी की सोच पे खरे नहीं उतर सकते। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपना यहाँ पे एक तो अपने जो नंबर वन है करेक्टर, उसके ऊपर मतलब उसको एक बहुत ही अच्छे से आपको मतलब बना के रखना है। आप अपने और अपने आप को मतलब यहाँ पे मतलब कहते हैं ना कि परिपक्व बना लीजिए, ताकि समाज के बीच में और खुद के बीच में एक दायरा मेंटेन कर पाए। उसके बाद आपको मैं बोलना चाहूंगी, जैसी भी सोच को आप जैसी सोच के साथ आगे बढ़ोगे, जैसी भी सोच को कंधे चढ़ाओगे उसी सोच के साथ आगे बढ़ोगे, इसलिए अच्छी सोच रखिए। अगर किसी भी लेडीज को हम एक लेडीज को लेडीज की जरूरत है तो आगे आइए, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका सहयोग कीजिए, सहारा दीजिए उसको, ना कि उसको पीछे घसीटिए। क्योंकि अगर हम ही महिलाएं एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगी तो फिर कौन आगे आएगा। उसके बाद मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, जो लेडीज हैं जो महिलाएं हैं वो बहुत ज्यादा बदनाम है कि वो बहुत ज्यादा बोलती हैं, बुरा मत मानिएगा, ये मतलब एक लेबल हम पे लगा दिया गया है कि हम बहुत ज्यादा बोलती हैं। तो मैं आप सब लेडीज को बोलना चाहूंगी, वी लव टू टॉक एंड शेयर। अपनी जो ये वाक्पटुता है यहाँ एटोमी के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम आने वाली है, अब नहीं तो फिर कब। इस वाक्पटुता का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बातें कीजिए। आपको पता है जब हम लेडीज एक मतलब कि खड़ी हो जाती है बहुत सारी मिलके, तो वहां पे हम इजिली मतलब अगर एक हम मान लीजिए हम इवनिंग केयर सेट के बारे में बात कर रही हैं, हमें ये पता हम पार्लर में जाते हैं 2,500-2,500 रुपए हम पे फेशियल के देती है, लेकिन एक ऐसी फेशियल किट, मतलब फेशियल किट नहीं है वो, फेशियल किट जैसी है, एक साल वहाँ यहाँ पे चलने वाली और बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है, 2,555 रुपए में आपको इजिली यहाँ से मिल रही है, पॉइंट वैल्यू भी आपके बढ़ रही है, बिजनेस भी आपका ग्रो कर रहा है, उसके बारे में बात कीजिए। मैं 100% गारंटी देती हूँ 10 में से कम 3 महिलाएं ऑर्डर जरूर करेंगी। तो अपनी इस वाक्पटुता का भी लाभ उठाइए। आई थिंक मैंने अपने जो क्वेश्चन है उनका जवाब अच्छे से दे दिया होगा। थैंक यू सर। ग्रेट मैम, बहुत शानदार दिया, बहुत ही शानदार, मतलब कि सब लोगों ने चैट बॉक्स में लिखना शुरू कर दिया आपके बोलते बोलते, क्या एनर्जी के साथ आप बता रहे थे। और बिल्कुल सही कहा, इवनिंग केयर वो प्रोडक्ट है मुझको लगता है 10 में से 8 महिलाएं तो मान ही जाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब मेरे जैसे को अगर वो पसंद है तो महिलाएं तो उससे अछूती तो नहीं रह सकती मैम, नो डाउट। आपने बहुत अच्छा बताया। और एक चीज यहाँ पे फिर से आई, टीम मैम ने सेल्स मास्टर कैसे अचीव किया, 2 नाम लिया उन्होंने, एक अपलाइन अजीत सर का और दूसरा टीम का, कि टीम ने पूरा साथ दिया, और तीसरा उन्होंने कहा आपका व्यवहार टीम के साथ कैसा है। एक जुटता अगर होगी तो कभी भी अचीवमेंट नहीं रुकेगी। और मैडम ने ठाना कि इस बार मेरे को सेल्स मास्टर बनना ही बनना है, ये सबसे बड़ी बात मुझे लगी मैम। थैंक यू कुंडू मैम, बहुत शानदार। अगर आपको मैम की बातों से एग्री हैं सारे लोग, तो जल्दी से कमेंट में वो मैसेज कीजिए मैम के लिए। सभी वुमेन्स को स्पेशली कहूंगा कि कितना आप लोग मैम की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कृपया करके मैम के कांटेक्ट में रहिए, मैम क्या कर रही हैं उसको फॉलो कीजिए, और आप भी मैम की तरह सेल्स मास्टर जल्दी से बन जाएंगे। थैंक यू मैम, बहुत शानदार, धन्यवाद मैम। और अब हमारा सेशन जो है, मेरे दोस्त मेरे होस्ट अनुज जी को मैं इनवाइट करूंगा। अनुज जी मोस्ट वेलकम है, आप कृपया करके आए और आगे की उसको कंटिन्यू करें सर। अनुज जी थैंक यू सो मच अरुण मीना सर फॉर इनवाइटिंग मी, अनुज जी और आप सभी चैंपियंस का एक बार मैं फिर दोबारा स्वागत, अभिनंदन, आभार। और यहाँ पर आज सेल्स मास्टर मुकेश कुंडू मैम ने एक जबरदस्त शानदार स्पीच दी, उसके लिए मैम का बहुत दिल से धन्यवाद। और कितना अच्छे से डायमंड मास्टर अजीत सर बता के गए कि किस तरीके से टीम को एकजुट रखना है, काम करना, अनबिलीवेबल, सुपर सर, थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सभी को। तो चलता हूँ मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, जो कि है हमारे सेल्स मास्टर जोगिंदर सर। तो मैं यहाँ पर सर क्या अरुण सर आपसे पूछना चाहूंगा, जोगिंदर सर मुझे कहीं को होस्ट नहीं दिखाई दे रहे। जोगिंदर सर अगर कृपया करके आप हैं तो हैंड रेज कर दें जोगिंदर सर, अदरवाइज हम लोग अभी कैप्टन साहब की तरफ चल लेंगे सर। जोगिंदर सर अगर आप आ गए हैं तो एक बार, जोगिंदर सर अगर आप हैं तो प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप अपना हैंड रेज करें। अजीत सर एक बार आप देखें प्लीज जरा,
डायमंड मास्टर अजीत सर अभी सर शायद जोगिंदर जी है नहीं और आप राइट ओके कोई बात नहीं थोड़ा सा हाँ पिछली बार भी उन्हें सुन नहीं पाए थे इस बार बड़ा मन है उन्हें सुनने का तो एक बार आप जरूर उन्हें कनेक्ट कराने की कोशिश करें। चलिए तब तक हम चलेंगे आज एक बहुत ही जबरदस्त मैं उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर बोलूं मैं उन्हें कैप्टन बोलूं मैं उन्हें मतलब मेरे पास वो शब्द नहीं है। अब आपको एक बहुत बड़ी प्रोफाइल से मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं दोस्तों और वी आर वेरी लकी टू ऑल हम बहुत लकी हैं कि आज हमें कैप्टन साहब का सेशन मिल पाया क्योंकि ये सेशन मिलना हम सभी के लिए एक लकी चाम ऐसा बोल लो कि लॉटरी है क्योंकि उनका टाइम लेना बहुत बड़ी बात है आज हमें टाइम दिया तो इसके लिए हम खुशकिस्मत हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कैप्टन का जो जॉब है वो इतना आसान नहीं है और बड़ा मुश्किल है बड़ा टफ है उसमें इतना आपको पता है कि कितनी योग्यता क्या क्वालिफिकेशन क्या माइंडसेट सब कुछ चाहिए होता है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि ईश्वर का दिया कुछ भी अल्प नहीं होता और जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता और हार को जीत से दूर ही रखना मेरे दोस्त क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जो बने ही जीतने के लिए है जो मुश्किलों से नहीं घबराते हुए आज एटमी में स्पेशल एजेंट है और कैप्टन की रैंक पे हैं तो मैं आपकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगा यहाँ पर कैप्टन रविंदर शेरावत सर का और कैप्टन मोनिका शेरावत मैम का। मोस्ट वेलकम मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है AITF ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के इस मंच पर और हमारे सभी लीडर्स यहाँ पर आपको सुनना चाहते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है सर? यस यस थैंक यू सो मच अनुज जी and good evening everyone the team Atomy I would say the great team Atomy now I was very impressed with the my upline Ajit ji is my brother also so we are all motivated by him only and we can see how the Atomy India is growing now and we can see the bright future here so we also made our mind to join hands with the Atomy And we cannot join the full time because we are dedicated to our profession. But for sure, in the coming time, we will be joining some international clients also to this team because we have the international flights also. So we'll try to motivate the other people from other countries so that they also can come and join. They can enhance our strength here in India as well. Captain Saab, aapka swagat. कैप्टन मैम आपका बहुत बहुत स्वागत और हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आपसे और मेरी एक रिक्वेस्ट है सर आपसे और मैम से भी क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है और मैं चाहूंगा कि प्लीज सभी लोग थोड़ा सा हिंदी में अच्छा समझ पाएंगे अगर आप हिंदी को क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से आपको सुनना चाहते हैं बहुत ही एक्साइटेड है तो मैं चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तानियों के लिए आज आप थोड़ा सा हिंदी में आज सर कन्वर्सेशन करें तो मजा आएगा सर है ना जी बिल्कुल। तो मैं मेरा जो आपसे पहला क्वेश्चन है कि आज आप स्पेशल एजेंट हैं आज आप इतनी ऊंचाइयों पर हैं एक अच्छी पोस्ट पर हैं दोनों तो योर एटमी एक्सपीरियंस आपका जो एटमी का अब तक का एक्सपीरियंस है सर इतनी बड़ी जॉब होने के बाद भी जो आपने अभी ये डिसीजन लिया है तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है इसके बाद में मैं आपसे और भी दो पूछूंगा तो मुझे आप दोनों से ये पूछना है कि आपका एटमी का एक्सपीरियंस कैसा रहा कैसा है अभी तक। जी 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 अनुज जी जैसा कि अभी मीना जी बता रहे थे कि जो आपका प्रोडक्ट है अरुण मीना जी ने बहुत अच्छे से बताया द हिमोइम ये बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है इट्स वंडरफुल। एक मेन रीजन ये रहा है जितने भी लोगों को हमने दिया उनके बहुत ही अच्छे रिव्यूज आए उनके लिए एक लाइफ लाइन सा साबित हुआ ये प्रोडक्ट। और एटमी सिर्फ एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जो इस प्रोडक्ट को इंडिया में ले पाया लेके आ पाया अब तक कोई भी इसको नहीं ले पाया। दूसरा जो इनके इनिशियल लॉन्च प्रोडक्ट थे मोस्टली ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे तो मीन्स वी कुड सी अराउंड हमने देखा जितने भी लोगों ने लगाया इवन मेरी वाइफ ने यूज किया शी इज वर्किंग फॉर एयर इंडिया एज ए पायलट ओनली तो इनको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो उनसे हमें लगा कि नहीं ये प्रोडक्ट वर्थ है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मैं अपने आप को बहुत देशभक्त मानता हूं तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना तो मेरे को लगा कि नहीं हमें इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए ये हमारे देश की कंपनी नहीं है
एंड लेटर ऑन बाद में मुझे रियलाइज हुआ, लेकिन हमारे देश में ऐसे प्रोडक्ट भी तो नहीं है। अगर हम इस कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे तो हम अपने ही देश के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। इस हिमोइम प्रोडक्ट से कितने लोगों की जान बची है, कितने लोग कैंसर से निकल के आए हैं जो अपनी हेल्थ को लेके जूझ रहे थे। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं कि एक आदमी देश के बॉर्डर पे जाके अपने कंट्री की सेवा कर सकता है। जिनके अंदर जज्बा है अपने देश के लिए कुछ करने का, वो देश के अंदर रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अजीत जी और बाकी जितने भी लोग एटोमी से जुड़े हुए हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं दिल से उनको धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट भी करता हूँ। और मैं भी आप लोगों के साथ इस मुहिम में जुड़ना चाहता हूँ। लोगों के कष्ट हरना अपने यहाँ पे हनुमान जी को बोला जाता है कि वो संकट मोचन है, लेकिन मैं कहता हूँ एटोमी यहाँ पे एक संकट मोचन के रूप में इंडिया में आई है, हमारे भारत देश में। इससे बहुत लोगों का उद्धार होगा और ब्यूटी प्रोडक्ट भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। आज के दिन जो आज का दौर चल गया है, उस दौर में आदमी की ग्रूमिंग होना, गुड लुकिंग होना, ये बहुत जरूरी हो गया है। आपने सुना होगा बहुत कॉमनली ये लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है। और जितना पोल्यूशन आज के दिन हो गया है, उस पोल्यूशन से बचाने के लिए इंडिया में मेरे ख्याल से एटोमी से अच्छा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता। एंड पर्सनली मैं खुद इन प्रोडक्ट्स को आई थिंक मोर देन वन ईयर, एक साल से ज्यादा हो गया है, मैं खुद अपनी वाइफ के साथ चुरा चुरा के यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस सर। हाँ जी, अब हम इसको फुल टाइम ज्वाइन करेंगे धीरे धीरे। बाकी जैसे जैसे आप आगे हमें अपॉर्चुनिटी देंगे, हम आपको और भी इंटरेस्टिंग बातें बताते रहेंगे। आई थिंक अभी आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। मैं मैम की तरफ भी चलना चाहूंगा सेम क्वेश्चन से। मैम अभी प्लीज अपना छोटा सा एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपका क्या एक्सपीरियंस है अभी एटमी को लेकर, प्लीज मैम। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मैच किया है, एक्चुअली मैं मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं है। अभी आ रही है आवाज आपको? जी जी मैम, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस, प्लीज कंटिन्यू करें। हस्बैंड ने जैसे कि मैच किया ही है अभी, और ऐसा है कि बहुत ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की है हमारे इंडिया में, तो हमारा क्या रुझान होता है पास पड़ोस में, हम देख लेते हैं कौन क्या कर रहा है, चलो ये लेके देख लेते हैं, ये लेके देख लेते हैं। तो आई गॉट पिस्ड ऑफ, मतलब मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी यूज करते हुए, और मतलब एक विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रोडक्ट्स पे कि किसके साथ आप जाएंगे। तो अजीत ने, मेरे देवर हैं, तो उन्होंने मुझे इवनिंग किट लाके गिफ्ट एज ए गिफ्ट दे दी। मैंने, आप बिलीव करोगे, मैंने 3 महीने तक उसको यूज नहीं किया। मैंने कहा ये मेरे को चिपकाएगा सॉरी तो क्योंकि ये इम्पैक्ट आया हुआ है एमपे से और बहुत सारी चीजों से। तो मैंने लेकिन उसको बोला भाभी मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ ना, एक बार यूज करके देखो। आई कांट बिलीव, जैसे ही मैंने इवनिंग किट को यूज किया, और मतलब मैं अपने ना अपने एक्सप्रेशन आपको बता नहीं सकती, मैंने 2 हफ्ते इसको ऐसे यूज किया होगा, बस चलो ठीक है देख लेते हैं। द फर्स्ट टाइम में मैंने कहा यार इट कैन बी वंडर, ऐसा लगता है कि मेरे जैसे यूथ स्किन वापस आ गई है। तो हाँ जी, तो बहुत अच्छा, मेरे को तो एटोमी से जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी पर्सनालिटी एनहेंस करने में बहुत ज्यादा, मतलब लेडीज को क्या चाहिए, पर्सनालिटी, तो वो हमारी एटोमी से हो ही रही है। और कॉन्फिडेंस आता है, इफ यू लुक्स गुड यू गेट कॉन्फिडेंस, इट्स ऑटोमेटिकली कनेक्शन, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ आप जैसे लोगों से बात करने के लिए, मिलने के लिए और अपने व्यूज रखने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत अलग फील्ड है। अभी तक हमने सिर्फ स्टडी किया है अपने फील्ड को लेके, उसमें हम चले जाते हैं तो वी हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या ना, एक फ्रीडम फील हो रही है, इतना अच्छा लगता है यार, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जैसे हम हैं वैसे ही आपको रहना है। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपको एक नेचुरल में, मतलब ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई बॉस बैठा है, यू हैव टू स्पेसिफिक कोई एसओपी आपको फॉलो करनी है, कोई रूल्स फॉलो करने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक प्रेशर भी नहीं है। मतलब आई लव टू गो दिस वे, क्योंकि इसमें ना रूल्स है, रेगुलेशन है, ना आपको कोई यूनिफॉर्म पहन के जाना है, ना कोई आपको कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। मतलब बहुत फ्री होके, जितना मनुष्य फ्री होके अपने माइंड से काम कर सकता है, इससे अच्छा कोई चीज ही नहीं है। और एटोमी के बारे में तो उसके प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, हमें कुछ करना ही नहीं है।
तो मेरे जैसे रिजिड लोग होते हैं बहुत ज्यादा, तो उनको आप गिफ्ट कर दें। मैंने अजीत जी से ही सीखा है ये तो वो अपने आप ही फॉलो अप करेंगे इन चीजों को, तो बहुत अच्छा है। हिमो ही मैंने भी स्टार्ट किया है, और मैं अपने बच्चे के लिए भी जो बच्चे का किट आता है पूरा बेबी बाथ का, वो भी मैं यूज कर रही हूँ। यू कांट बिलीव, मेरा शैम्पू खत्म हो गया, मुझे एटोमी में वो शैम्पू नहीं मिल पा रहा। वो एक स्कैल्प का है, वो मिल नहीं पा रहा मुझे, तो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट प्रोडक्ट, बेबी प्रोडक्ट। मैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे इतना फेथ हो गया है इन प्रोडक्ट्स पे कि मैं बच्चे के वो नहाने वाला जो आपका शावर है, शावर जेल है जो भी है, उसको मैं फेस पे भी लगा लेती हूँ, मैं उसे बाल भी धो लेती हूँ। आई कॉन्ट बिलीव कि मैं एक चीज से मैं इतना कुछ कर रही हूँ, और सीरियसली मतलब मेरे को इतना फेथ है कि इसमें केमिकल नहीं होगा, बाजार के किसी भी चीज से केमिकल से तो अच्छा इसी से धो लो। तो ये फेथ कहाँ से आया, ये एटोमी की प्रोडक्ट से आया है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ एटोमी के इंडिया में लॉन्च होने से, और डेफिनेटली विल गो विद दिस। तो और आप जैसे लोग मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, तो बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों से सीखने के लिए मिलेगा, आगे जाएंगे, तो बहुत अच्छा है। और लेडीज के लिए तो जैसे कि मिसेस कुंडू ने बताया सबको, तो बहुत, शी इज डूइंग वेरी वेल इन दिस फील्ड, तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के, कितना अच्छा उन्होंने एक हाउसवाइफ के लिए बताया कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, और हमें कैसे कैसे एक लेडीज को आगे जा सकते हैं वो लोग। तो ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो बहुत अच्छा है, मेरा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है एटोमी के साथ। थैंक यू सो मच मैम, बहुत जबरदस्त आपने एक्सप्लेन करा, और आप दोनों लग भी बहुत अच्छे रहे हैं, लग रहा है वाकई में आप एटोमी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अरे दोस्तों, हमारे ऊपर आ रहे हैं बिल्कुल, और मैं भी बहुत बढ़िया, और भी आगे और अच्छे हो जाओगे, है ना। तो देखो दोस्तों, एक बात यहाँ पे माननी पड़ेगी आपको कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। हम लोग किसी भी सेशन में, आप लोग देखते हो चिल्लाते हैं कि आप दिल से धन्यवाद दोगे उसका जिन्होंने आपको आज इस मीटिंग में इनवाइट किया है। कितनी बार मैं बोलता हूँगा, कितनी बार हमारे सारे लीडर्स बोलते होंगे, तो आज आपके सामने साबित हो गया कि एक डायमंड मास्टर अजीत सर की वजह से हमारे से इतनी बड़ी पर्सनैलिटी रूबरू हो रही है, और आज वो खुद से एटमी के प्रोडक्ट में हमें इतना गाइड कर रही है कि उसके रिजल्ट्स अनबिलीवेबल है, मैं कुछ भी यूज कर लेती हूँ। तो आप सबसे पहले मैं चाहूंगा कि अजीत सर जो हमारे डायमंड मास्टर हैं उनके लिए जोरदार क्लैपिंग करें, और उनके लिए शानदार कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सा अपनी तरफ जो लिख सकते हो, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज इतनी जबरदस्त जो पर्सनैलिटी हमसे रूबरू हैं, और ये आज जो भी कुछ अपने विचार या हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये सर आज जो भी हैं डायमंड मास्टर अजीत सर की तरफ से हैं। तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा सर को, और नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है मैम से और सर से ये है, पहले मैं सर की तरफ चलूंगा कि व्हाई यू ज्वाइन एटोमी, आपने सर एटोमी ज्वाइन क्यों करी जी, उसके पीछे का क्या कारण था जी? अनुज जी, एटोमी ज्वाइन करने के अनुज जी मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे इसमें जो मेन रीजन या फिर जो मेन की प्लेयर है वो नो डाउट अजीत जी का ही नाम मैं लूंगा। जैसा कि अभी मेरी वाइफ ने बताया आपको कि सबसे पहले वो हमें गिफ्ट में दे गए थे एक प्रोडक्ट, जो इवनिंग पैकेट था वो गिफ्ट में दे गए थे ऐसे यूज करने के लिए, और उन्होंने ऐसा दिया कि हम उसके यूज हो गए, राइट। तो ये उनकी एक स्ट्रेटेजी थी किस तरीके से लोगों को जोड़ना है, और इसमें उनको महारत हासिल है, नो डाउट अबाउट इट। अगर मैं अपने प्रोफेशन की बात करूं तो लाइक मेरी वाइफ को भी मैं देखता हूं, ये बाय प्रोफेशन पायलट है, इनकी कॉल कभी भी आ जाती है, कई बार इनको रात में भी फ्लाई करना होता है, कई बार दिन में भी फ्लाई करना होता है, तो उससे हमने देखा कि हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि अगर नाइट में फ्लाइंग करने के लिए जाना है तो उनको 2 घंटे पहले प्रिपेयर होना होगा, कैब आएगी वो जाएंगी उसके बाद फिर आएंगी, तो पूरा घर का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब सा हो जाता है। देखने में सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं दूर दूर से, जब हम यूनिफॉर्म में देखते हैं ये पायलट है ये जा रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। और दूसरा, हमारी फील्ड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है मेडिकल्स को लेके, अगर हमें कहीं भी हम मेडिकली अनफिट हो जाते हैं उसके बाद हम फ्लाई नहीं कर पाएंगे और हमारा पूरा प्रोफेशन दांव पे आ जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड किया कि एटोमी में अगर हम रहते हैं, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हम लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़ सकते हैं, अच्छा काम भी हम कर पाएंगे,
और हमारे पास एक बैकअप सोर्स जनरेट हो जाएगा। अभी कुछ ही टाइम की बात है, अभी तो हमने इसको पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, कुछ ही टाइम की बात है हम इसको फुल टाइम ज्वाइन करने वाले हैं हम दोनों मिलके। मैं एक पायलट हूँ, मैंने इंडिगो ज्वाइन किया था, फिर मैंने छोड़ दिया, अभी मैं पायलट्स की ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो मैं भी अपने ट्रेनिंग, अपने हेक्टिक शेड्यूल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बिकॉज उसमें आपको दिन रात लगे रहना पड़ता है। अगर इतना अगर एफर्ट्स हम अपने अटोमी में लगाएंगे, जो कि अपना एक पर्सनल होगा, इतने सब लोगों का साथ होगा, तो मुझे लगता है कि इतने एफर्ट्स में हम कई गुना प्रोग्रेस कर सकते हैं। और जहाँ तक इस नेटवर्क मार्केटिंग की बात है, इसको मैंने बहुत ही करीबी से समझा है, मोदी जी के और अलग अलग पॉलिटिशियंस के मैंने रिव्यूज सुने हैं, इसको लेके पूरा मार्केट स्टडी किया है। जैसा कि मोदी जी ने भी बोला था कि 2025 तक 65,000 करोड़ का बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा होगा। और क्योंकि इसका अपना एक लॉजिक है, अपना कंसेप्ट है, ये एडवर्टाइजमेंट को हटाना चाहते हैं, डायरेक्ट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो नो डाउट आने वाला टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। और जब ये टाइम आने ही वाला है, तो हम क्यों ना एक प्रोएक्टिव होके पहले से उसको ज्वाइन क्यों नहीं कर ले। आने वाले टाइम पे अगर हमने अभी से ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग, कितनी हमारे देश की आबादी है, कितनी जनता है, वो सब लोग हमारे अंडर जुड़ेंगे, हमारी स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। तो जब एक काम करना ही हमें, लोग उसके बारे में सोचेंगे 2025 में, हम प्रोएक्टिव होके अगर आज ही ये डिसीजन लेते हैं, तो आई थिंक हमारी प्रोग्रेस और लोगों से कई गुना ज्यादा होगी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी था अजीत की गाइडेंस में और आप सब लोगों के गाइडेंस में, मैं इस बात को समझ पाया और हमने ये डिसीजन किया कि हम इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। दोस्तों एक बात यहाँ पर समझनी जरूरी है कि जब भी हम एटमी को किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो पता हम आकलन लगा लेते हैं, ये तो करेगा ही नहीं, ये तो करेगी नहीं, इतनी बड़ी पोस्ट पे वो तो सम्मान लेगा ही नहीं, वो मेरे बारे में सोचेगा क्या, या मैं इसे बताऊं क्या, क्या मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई को बता सकता हूं, अरे नहीं 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 मैं बताऊंगा। दोस्तों आज भी मैं अपने एक मेरे टीम के साथी हैं, मैं उनसे जिक्र कर रहा था मैं कि मैं इतने साल 10 साल मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में हुए, मैंने बस एक ही चीज नोटिस करी कि यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाले समझदार लोग कभी कामयाब नहीं हुए, यहाँ कामयाब केवल एक इंसान हुआ जो पागल है, मतलब जो पागल है अपने काम को लेकर, जो जुनूनी है, बस उसे ज्यादा समझ नहीं आता, उसे समझ में आता है कि मेरा अपलाइन क्या समझा रहा है, और मुझे बस वो जो गाइड कर रहा है मुझे वैसे चलना कैसे है, मेरी कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन क्या है, अगर इंसान उसे फॉलो कर रहा है तो वही इस नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है। और नो डाउट अजीत सर ने सोचा भी नहीं और बस आपको बता दिया सारी चीजें, और आज सर आप हमारे साथ है, और अभी तो आप पार्ट टाइम है, मे बी आपने कितना बड़ा डिसीजन भी बना लिया कि आने वाले समय में फुल टाइम आप काम करेंगे, और एटमी के लिए आप सर फ्यूचर में कितनी बड़ी वैल्यू एड करने वाले। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज किसी का भी अनुमान ना लगाएं, कोई भी, वो कहते हैं कि बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम दिखाती है। दोस्तों बंद पड़ी घड़ी भी 24 घंटे में एक बार सही टाइम दिखाती है, तो आप किसी का भी अनुमान ना लगाएं, अपने एटमी को रिप्रेजेंट जरूर करें, उसके पास तक जरूर जाएं, उसका लेना ना लेना, काम करना ना करना उसकी मर्जी है, आप अपॉर्चुनिटी को उस तक पहुंचाएं जरूर। अब यही सेम क्वेश्चन मैं मैम से करना चाहूंगा और मैम से भी कुछ जानना चाहूंगा कि मैम आपने क्यों एटमी ज्वाइन किया। जी मेरा भी यही है कि जैसे ये जॉब है बहुत अच्छा, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ इस जॉब की कि मेरे पेरेंट्स ने यहाँ तक मुझे पहुँचाया, और लेकिन एक टाइम के आने के बाद ऐसा है कि आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, और लेडीज में ये होता है कि उनको सारे घर की, बच्चे की, हस्बैंड की, सबकी एक एज ए माँ रोल भी प्ले करना होता है और वाइफ का भी रोल प्ले करना होता है, और बहुत सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ती हैं। एक टाइम के आता है कि हम सारी एक जॉब्स में पूरा स्पेसिफिकली पूरा 10-12 घंटे की जॉब नहीं कर सकते। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये क्या है कि ऑनलाइन भी, जैसे कोरोना टाइम में बहुत सारे लेडीज ने देखा कि भाई व्हाट टू डू नाउ, क्योंकि जॉब्स घर पे थी, किसी की जॉब छूट गई, इतने सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो दुबई से, उनको चलो भाई अब जॉब्स नहीं है, यू कैन गो टू योर कंट्री बैक। तो ऐसे इंडिया में भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ, एयरलाइन जेट एयरवेज बंद हो गई, बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं आपके जॉब्स के। तो जैसे कि मिसेस कुड्डू ने भी ऐड किया था कि हमारा एक बैक प्लान होना चाहिए लाइफ में, तो ये एक बैक और बैकबोन हमारी लाइफ का, बहुत अच्छे से हम इसको बना सकते हैं,
और बहुत अच्छे से, इसमें कुछ पैसा नहीं लगना, सिर्फ आपका भगवान का दिया हुआ जबान, जो हमारी जबान है उसी से हमें उसको सबको इसके बारे में इंट्रोड्यूस करना है, और जो लोग अपना डेली के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको ये बताना है कि हाँ यू कैन यूज दिस, यू कैन जस्ट ट्राई इवन फर्स्ट, तो वो अपने आप ही, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था एटॉमी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको सिर्फ अपना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एक आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, और पहले तो विश्वास होना बहुत जरूरी है कि मेरा एटॉमी में इतना सभी लेश मात्र भी नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही लेके चलना है, 100% आपकी जीत होती है, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा है, कोरियन कंपनी है, हमारे इंडिया में भी मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, सब हम लोग भी हैं, देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो इससे क्या है, लेने से प्रोडक्ट्स हमारे इकोनॉमी भी आगे जाएगी, हमारे घर के मेंबर्स की हेल्थ भी आगे जाएगी, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमी इंप्रूव हो रही है, और क्या चाहिए हमें, हमारा खुद की पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं पैसा दे रहे हैं, हम किसी को पैसा दे के नहीं बहला फुसला के नहीं बुला रहे हैं, हम सब एक प्लेटफॉर्म में रूबरू हो रहे हैं सब लोगों से और सबको डिस्कस करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हाइड एंड सीक हम खेल रहे हैं सबके साथ, कुछ हिडन चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे कि आज के हम देख रहे हैं मार्केटिंग में क्या होता है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है, और हम बाय कर लेते हैं तो फिर पता है सबको आजकल, तो एटॉमी का एक बहुत अच्छा ये है कि जैसे मेरे को सर्वाइकल का बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी जॉब ज्यादा टाइम तक, तो जैसे कि अजीत कर रहा था तो हम उसको देखते थे, और मेरे यहाँ पे भी मेरे नेबर हैं, पड़ोसी हैं, डॉक्टर वर्ट्स, सुरेंद्र वर्ट्स, वो मेरे यहाँ नेबर हैं, तो दे आर ऑल्सो अर्निंग वेल, 40 lakhs के अराउंड दे आर अर्निंग, तो बहुत ऐसे ऐसे और भी हैं मेरे यहाँ सोसाइटी में, 3-4 हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, तो उनसे हमें सीख भी मिलती है, और अजीत का तो जुनून वैसे ही हमें दिखता ही है 24 घंटे, तो ये सब चीजें ना हमें एक एनर्जी फील्ड हमारे चारों तरफ घूमता रहता है, नेटवर्क मार्केटिंग, तो इससे क्या है, एक सिक्योरिटी, क्योंकि हमें एक आने वाले टाइम पे हमारी जॉब, हमारी एजुकेशन भी ना थोड़ा साइड में रखते हुए, और ये जो हमें एक चीज इजी वाली मिल रही है और पता चल रहा है कि हाँ जो आज हम कमाएंगे वो हमारा कंटिन्यू होता रहेगा पीवीज, और ये हमारे बच्चों को भी कंटिन्यू होता रहेगा, एम आई राइट, तो है ना, तो ये सब चीजें एक सिक्योरिटी, तो सबसे हम क्यों बैंक इतनी क्यों खुले हैं आज के टाइम पे, बैंक इसलिए खुले हैं क्योंकि हमें सिक्योरिटी, हमारे पैसे हम कहाँ जमा करें, क्या हम कमा रहे हैं, हम घर पे रख देते हैं तो खर्च हो जाते हैं, तो एटॉमी एक ऐसा ही बैंक हमारा बन रहा है जो हमारी एनर्जी पे काम करता है, हम पॉजिटिव एनर्जी से काम कर रहे हैं, तो आप जैसे लोग मिल रहे हैं, हम जैसे सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, वैसे तो किसी को आजकल टाइम ही नहीं है, इतना बिजी हो गए हैं सब लोग, तो एक एज अ फैमिली काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं, एक आईडी पे आप सारे वर्ल्ड में कनेक्ट हो रहे हैं, आई कांट बिलीव के इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, और बहुत सारे लोगों का हम एज अ फैमिली आगे आएंगे, कंट्रीज में जाने का मौका मिलेगा, लेकिन जो लोग अपना ये सोचते हैं कि पता नहीं उस कंट्रीज में जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, तो इससे आपको कितना कुछ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, फेम मिल रहा है, ट्रैवलिंग का आपका इतना सपना पूरा हो रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, मतलब मेरे को तो एक पॉइंट भी नहीं मिलता कि मैं ये बोलूं कि ये नहीं मिल रहा, सब कुछ आपको मिल रहा है बैठे बिठाए, सिर्फ एक आपको जबान चलानी है, आपको सिर्फ जबान का अच्छा यूज करना है, लोगों को आपको इसके बारे में अवगत कराना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स है, ये आपके लिए हेल्थ के लिए अच्छा है, ये आपके लिए ब्यूटी के लिए अच्छा है, और ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मेरे ख्याल से और भी आने वाले हैं एटॉमी के, तो बहुत अच्छा एटॉमी का नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छी होने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा, वाओ सुपर्ब। लीडर्स, जैसा कि मैम ने 2-3 चीजें यहाँ पर बोली कि देश की इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, मतलब इस तरीके से मैम ने सर ने हमें एक्सप्लेन करा, तो ये सच है, हम बहुत आगे जा सकते हैं, जैसे कि आज आप देख लो कि हम जो ऑयल आता है आउट ऑफ कंट्री से अरब देशों से आता है, तो आज पूरे वर्ल्ड में वो जाता है, आज उनका इकोनॉमी आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने देश का जो सिस्टम है यहाँ पे बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर देंगे, और वहीं आज अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ऐसी पोस्ट पे होने के बावजूद ये अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, तो मेरे भाई तुम कहाँ सो रहे हो, मुझे बड़ा हैरानी होती है कि आपका
अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और एटमी जैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई उसके बाद भी आप प्लानिंग नहीं कर रहे, तो भाई मैं ऊपर वाला मालिक है फिर तुम्हारा, वो देख रहा है तुम्हें कि तुम काम चोरी कर रहे हो पक्का, क्योंकि हजार रास्ते जाते हैं सक्सेस की तरफ और मुझे पता नहीं है कि किस पे जाना है, कहां सक्सेस मिलेगी। खैर अभी एक रास्ता ऊपर वाले ने बता दिया कि मुश्किलें हैं, आंधी है, तूफान है, बरसात है, गड्ढे हैं, लोग बेकार मिलेंगे, बहुत सारी चीजें मिलेगी, लेकिन ये रास्ता 100% सक्सेस की तरफ जा रहा है, बस तू चल दे इस पे, और वो है एटमी। और आप उस पे भी ना चल पाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो प्लीज आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। और जब आज इतनी बड़ी पोस्ट पे होते हुए ये लोग भी हमारे बीच में आज आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम फुल टाइम उतरेंगे, हमें नहीं चाहिए कोई बॉस अपने सर के ऊपर, तो आप क्यों नहीं कर रहे, आपको भी करना पड़ेगा। और मैं बात करूं मैम की, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भरोसा, विश्वास, बिलीव में बहुत बड़ी ताकत है कि आज मैं कुछ भी लगा लेती हूँ एटमी का बेबी, उससे भी ना, मतलब जो हमारा सेट आता है बेबीज के, उससे भी आप कर लेते हैं सबको। अब आप ये देख लो कि हमारा पेस्ट ब्रश हम कितनी बार जाके बताते हैं अपने लीडर्स को, वो देखते हैं कि इतना बड़ा प्रोडक्ट ये कॉस्ट मत देखो, आप किसी को एक पेस्ट ब्रश दो और उसके जब रिजल्ट आएंगे ना मेरे भाई, तो वो पूछेगा नहीं कि आपके प्रोडक्ट का शैम्पू कितने का है, आपका फेम कितने का, आपका एब्सोल्यूट कितने का है, आपका स्कैल्प से, वो नहीं पूछेगा, उसे रिजल्ट मिलेगा, वो चुपचाप जाएगा, वो खरीद लेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। और मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा, ये मेरा क्वेश्चन आपसे लास्ट क्वेश्चन है सर मैम, कि मैसेज टू ऑल मेंबर्स व्हाई दे शुड ज्वाइन एटमी, तो मैं सर की तरफ चलना चाहूंगा कि सर प्लीज ये लास्ट क्वेश्चन है और इसे अच्छे से एक्सप्लेन। अरुण जी, मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने बहुत स्टडी किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो कुछ पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से नोट किए, नोटिस किए, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, बल्कि जितने भी टीम मेंबर्स हैं, स्पेशली जो नए ज्वाइनिंग हैं, न्यू ज्वाइनिंग हैं, उनके लिए मैं ये बात शेयर करना चाहूँगा। जो हमारी नेटवर्क मार्केटिंग है, एटमी है, इसमें आपके लिए तीन मेन ऑब्स्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें पहला ऑब्स्ट्रक्शन आपको मिलेगा झिझक, मतलब आप अपनी बात को सोच समझ के रख नहीं पाते हैं, जिस बंदे के सामने रखनी चाहिए उसके सामने नहीं रख पाते हैं, आपके मन में ख्याल आने लग जाते हैं कि अगर मैं अपनी ये बात, अपने प्रोडक्ट्स किसी को बताऊंगा तो वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, उनको अलग टाइप की फीलिंग आएगी। तो ये तो प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये है कि जो आपके नॉन है आप उनको डायरेक्ट अप्रोच मत कीजिए, उनकी रूटिंग करवाइए, क्योंकि अगर आप अपने नॉन बंदे के पास जाएंगे तो वो ये सोचेगा कि इसमें सामने वाले को क्या फायदा हो रहा है, वो कभी भी इस बात पे आ ही नहीं पाएगा कि मुझे कितना फायदा होगा, ये बात किसी नॉन पर्सन के थ्रू उसके दिमाग में नहीं डाली जा सकती। तो जो अपने क्लोज रिलेटिव्स हैं, क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें आप इसको रूटिंग करवाए किसी और के थ्रू। दूसरी जो मैंने इसमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की वो है अज्ञानता, मतलब आपके पास प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज नहीं है और आप किसी के सामने अपनी प्रेजेंटेशन देने पहुंच जाते हैं। आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए, पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके प्रोडक्ट्स में कितना दम है और किस तरीके से ये अलग प्रोडक्ट से, अलग कंपनी से अलग है, डिफरेंट है, यहाँ पे आपकी क्या फ्यूचर ग्रोथ हो सकती है। और तीसरा पॉइंट है आलस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं ये काम आज नहीं करूंगा, मैं ये कल करूंगा, मैं ये वीकेंड पे करूंगा, छुट्टी होगी उस दिन करूंगा। जैसा कि अजीत जी ने बताया कि उनके टारगेट रोज सेट होते हैं, माइक्रो लेवल पे टारगेट सेट करने होंगे, ताकि हम रोज अपने इनपुट्स इस फील्ड में, इस बिजनेस में दे पाए। अगर हमने एक ही टारगेट बनाया कि मेरे को मंथ के एंड में इतनी ज्वाइनिंग करवानी है, तो हमने अपने अचीव गोल ही अच्छा सेट नहीं किया। एक प्राइमरी गोल बनाना है कि मेरे को एक महीने में ये लेवल अचीव करना है, उसके लिए एवरी डे वी हैव टू डू माइक्रो प्लानिंग कि मेरा टारगेट होना चाहिए, मैं सोऊंगा तभी तो इतने लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचेगा, उसमें कितने कन्वर्ट हो पाए, कितने ज्वाइन हो पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन तभी आना चाहिए तब जब हमें लगे कि हमने आज इतने लोगों तक अपने एटॉमिक की बात पहुंचाई है। वेरी गुड, सुपर्ब सर, और बहुत अच्छे से आपने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। और आज का जो सेशन है ना सर, रियली आज आप
का सेशन देख के हजारों लोगों की जिंदगी नहीं सर, ये सेशन अभी चलेगा लंबे टाइम तक, लोग इसे बाद में भी वॉच करेंगे, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी चेंज करने वाले सर। सबसे बड़ा परोपकार का काम क्या है आज की डेट में कि आप उन लोगों की लाइफ चेंज करो जो लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, ये उन्हें मलाल रह गया है, कहीं ना कहीं उनके दिल में एक है कि मैं तो ये कर जाता। तो नेटवर्क मार्केटिंग और एटमी की बात करूं तो ये एटमी वही प्लेटफॉर्म है जिसकी आपको तलाश थी और जहां से आप आज तक कुछ नहीं कर पाए तो अब कर सकते हैं। बिल्कुल भी इस मौके को ना गवाएं। और मुझे सर की एक बात बहुत अच्छी लगी, पूरी नॉलेज होना जरूरी। नॉलेज मतलब कि अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं है, कोई एक डॉक्टर के पास में आप गए और एक डॉक्टर से अगर वो इंजेक्शन लगाना ही नहीं जानता, वो आपको सही से चेकअप करना ही नहीं जानता, तो वो काय का डॉक्टर है? एक वकील अगर केस लड़ना ही नहीं जानता तो किस चीज का वकील है? अगर एक क्रिकेटर क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता तो वो काय का क्रिकेटर है? तो दोस्तों आप भी एटमी में हैं, और अगर आपको अपने प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है, अपने प्रोफाइल प्लान की नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर पाएंगे? तो प्लीज इसकी अच्छे से नॉलेज लो, क्योंकि ये फ्यूचर चेंज करने वाला, ये जो है ना आज जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है आपका फ्यूचर चेंज कर देगी। और यहाँ से आपको बस करना यह है, नॉलेज लेनी है, और दूसरी बात आलस नहीं करना। आलस के लिए एक बात याद आ गई कि कल का एक बहुत अच्छा, मैं बता दूं कि हम कल हेड ऑफिस में थे तो अजीत सर से मेरा डिस्कशन चल रहा था, और मेरी थोड़ा बहुत मैं उधर इधर उधर हुआ तो अजीत सर नीचे चले गए होंगे, तो मुझे बाद में आए ऊपर, मुझे पता ही नहीं कहाँ चले गए जी सर, क्योंकि हमें आज का जो सेशन था इसके ऊपर डिस्कस करना था, तो ऊपर फिर वापस आए। मैंने बोले यार अनु सर मैं नीचे चला गया था, फिर वापस आया। तो मैं ये सोचा मन में यार क्या मतलब, कैसे इंसान है भाई, कोई भी होता तो फोन पे बात करके कर लेता, लेकिन ये नीचे चले भी गए हैं। वो ऊपर आठवीं मंजिल पे है, 8th फ्लोर पे है हमारा ऑफिस मैग्नम टावर पे, और गाड़ी भी पार्किंग से बाहर निकाल ली और उसके बाद फिर पार्क करके फिर आठवीं मंजिल पे मुझसे मिलना है कि बताओ सर सेशन का करना कैसे है। तो ये डेडिकेशन अगर आपका है तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। मैं मैम की तरफ चलना चाहूंगा। मैम प्लीज आप भी बताइए कि मैसेज दीजिए सभी को कि मेंबर्स वाई दे शुड जॉइन एटमी। यस सर, मैं बोलना चाहती हूँ कि एटमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें आपको ना तो कोई झिझक है, ना ही कोई ही आपको ये है कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे की अमाउंट चाहिए, जो लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज कर देती है आगे बढ़ने में लाइफ में। तो इसमें सिर्फ आपका एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ, जैसे कि आपने मेंशन किया कि मुझे कुछ करना है, ये एक्चुअल में वही प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपना जज्बा दिखा के कुछ भी कर सकते हो। Even you don't know whatever like what achievement you can get it in a time. तो इस ये एक ऐसा platform है कि आपका अंदर से आपको एक जागरूकता पैदा करता है आपके खुद के लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। और मैं सब मेरे friends को बोलना चाहूँगी कि आजकल के देखो education में बहुत competition है, jobs में बहुत competition है, मिल जाती है बहुत अच्छे से, चलो ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी बहुत टफ है, चलो स्टेबल भी हो गई। उसके बाद फैमिली डिस्टर्ब होती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक पाइलअप होनी शुरू हो जाती हैं एक टाइम के बाद। और उसके बाद इंसान के पास क्या बचता है? स्ट्रेस क्यों है? खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं और आपका बैंक बैलेंस खत्म होने लग जाता है। तो ये सब चीज़ों को इंसान देखते हुए ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का एटमी का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आया है, दे शुड फॉलो इट। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए ये हम किसी के अंदर घुस नहीं सकते हैं, लेकिन हम समझा सकते हैं अपने वर्ड्स में। तो एक हमने तो ये फील किया है, हमने लोगों को देखा है कि यार ये तो एक इनके पास गाड़ी भी नहीं होती थी। मैं आपको बताती हूँ, जो मेरे जो ये पड़ोसी हैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग में दे आर अर्निंग 40 लाख नाउ। तो उनके पास एक टाइम पे 2000 रुपए थे। कैन यू बिलीव दिस? उन्होंने उनकी वाइफ ने मुझे ये पर्सनली बताया कि मेरे पास 2000 रुपीज थे। हम ये सोचते थे कि हम उस वहाँ कहीं जा पाएंगे किसी रिलेटिव के मिलने के लिए। मेरे पास जीता जाता उदाहरण है, दे आर वेरी सिंपल पीपल, बहुत ही सीधे डाउन टू अर्थ लोग हैं। नाउ दे आर गेटिंग 40 लाख। ये तो कड़वा सच है कि आप बिना पैसे के कुछ नहीं हासिल कर सकते, ठीक है।
और यहाँ पे आप एक बहुत अच्छा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका फ्री का कोर्स हो रहा है, आपकी ग्रूमिंग हो रही है, अच्छे अच्छे पर्सनालिटी वाले लोगों से मिल रहे हो, इतना अच्छा इंटरेक्शन हो रहा है कि जैसे लोग ना ऐसे मिलते हैं मतलब कि कहीं खोए हुए थे और सब मिल रहे हैं, बड़े बड़ी बड़ी स्माइल से, बड़े बड़े अच्छी एनर्जीज ट्रांसफर होती हैं, कितना अच्छा आपका राइज अप हो रहा है। तो एक कितना अच्छा ग्रूमिंग हो रही है, राइज अप हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट यू आर गेटिंग एवरीथिंग, ठीक है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। और आपको क्या चाहिए, देखो इसमें आपके प्रोडक्ट्स हैं और आपका प्लान आपको देखना है कि कैसे आपके अपलाइन कैसे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको नीचे के लोगों को कैसे अपने साथ लेके चलना है। और वैसे भी हम ऐसे फील करते हैं कि जैसे एक फैमिली को लेके चल रहे हैं, इसमें एक फैमिली वाला अपने आप ही फील आ जाता है कि हाँ भैया मेरे को उसको भी खींचना है, इसको भी खींचना है, उसको भी थपथपाना है, अरे ये तेरे को भी करना है, खड़े हो ले यार, ये भी कर ले, वो भी कर ले, फोन करते रहते हैं, कनेक्शन करते रहते हैं, यू डोंट फील अलोन इन योर लाइफ। जैसे हम एक लोनलीनेस फील करते हैं, इसमें है ही नहीं वो। मैंने अजीत को देखा, वो सारा दिन इतना बिजी रहता है, तो मेरे को इतना अच्छा लगता है कि हमें एक लाइफ मिली है, एक लाइफ मिली है और उसमें एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्यों ना जाएं हम इस चीज की तरफ। तो मैं सब को लोगों को बोलना चाहूंगी, ठीक है जॉब भी करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि आप जॉब ना करिए, लेकिन एक बैक प्लान जरूर होना चाहिए। और एक धीरे 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 आप इसको, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि फुल टाइम, एक टाइम आता है, यू कांट गो फॉर ऑफिस फॉर द लॉन्ग टाइम, मैं भी नहीं जा सकती हूँ, मेरे को भी अपने बच्चे को फैमिली को संभालना है। तो ये इस अपना इसको बना लीजिए अपनी लाइफ में। एक मेरे ग्रैंडफादर बोलते थे कि बेटा, मैं बोलती थी दादाजी मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, तो वो बोलते थे बेटा बनने को तो बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं इंसान, लेकिन हमेशा वो एक स्लोगन बोलते थे, फर्स्ट यू डिजायर देन डिजर्व। ठीक है, पहले आप डिजायर करेंगे तभी तो डिजर्व करेंगे ना, बिना सोचे समझे अगर आप उसको उस पर काम ही नहीं करेंगे, उस पर वर्क प्लान ही नहीं बनाएंगे, बैठे बैठे आप सपने कहीं किसी भी फील्ड में नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज है, आपको सिर्फ वार्तालाप करनी है लोगों के साथ, इंटरेक्शन करना है, उनके साथ जाके मीटिंग्स करनी है, उनको बताना है ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं यार, यूज करके देख। मतलब एक ना एक फ्रेंडली माहौल है हर जगह, ऐसे कोई बर्डन वाला नहीं है। और आप सिर्फ आपको यही ध्यान देना है कि मुझे इसको सिखा दिया, इसको सिखा दिया, एक लिस्ट बनाइए एक हफ्ते में कि मुझे इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, इनके पास जाना है, उस लिस्ट को फॉलो करते जाइए, चाहे अनजान हो चाहे कोई भी हो। एक आपका इसमें ईगो आपका खत्म हो जाता है, क्यों इंसान को ये होता है मैं तो ये बन गया, मैं तो वो बन गया। ये ज्यादातर जॉब्स में होता है, मैं जूनियर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैंने यहाँ देखा सब मिलके काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है एज ए ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर। और मैं क्या बोलू इसके लिए, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर मैम यहाँ पर सपने दिखाए जाते हैं तो 100% यहाँ लोगों के सपने पूरे भी होते हैं। जॉब में सपने इसलिए नहीं दिखाई जाते क्योंकि वहां सपने है ही नहीं है, बहुत बड़े सपने ही नहीं है लोगों के, बस घर चलाना सपना है, बस उतनी दुनिया है। और बाकी में नेटवर्क मार्केटिंग वो दुनिया है जो आपके सारे सपने पूरे करते हैं, और ये करता है, रियल है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, ये करता है ऐसे काम। और जैसे कि मैम ने बहुत अच्छे से सारी चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी, माइंड ब्लोइंग मैम, और बहुत बढ़िया, आप दोनों को सुन के मतलब मजा आ गया। मुझे तो लग रहा आज का सेशन जा ही नहीं रहे, लोग सब कनेक्ट हैं, पूरे अच्छे से इसे लगातार सुन रहे हैं, मजा आ रहा है सच में। और अभी मैं एक देना चाहते हैं, जो लोग मैसेज कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, एंड एक्चुअली वी आर फीलिंग स्पेशल, सब लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद है, और हम चाहते हैं कि सभी हमारे साथ ग्रो करें, हम लोगों के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे की मदद करें, यही हमारा अभी आज के सेशन से मैसेज आते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि मैंने आपकी जब प्रोफाइल पढ़ी तो मैं उसको बहुत अच्छे से तो नहीं बता पाया, क्योंकि आपकी प्रोफाइल नो डाउट बहुत बड़ी है दोनों की, तो अभी हमें इतनी समझ नहीं है कि हम उसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, धीरे धीरे सीखेंगे, और आपसे आज कुछ बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, तो आप प्लीज ये गाइड करें सर एक मिनट के अंदर कि जो आप IFA के ओनर भी हैं तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि जब भी मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी तो मुझे इसकी ज्यादा नॉलेज तो है नहीं है, तो IFA के आप ओनर हैं तो कम शब्दों में सर गाइड कीजिए क्या है। जी अनुज जी, जो IFA हमारा, दिस इज द इंस्टीट्यूट फॉर एविएटर्स। एविएटर्स वो होते हैं जो एविएशन में होते हैं, मतलब जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड लोग हैं, और उसमें हम पायलट्स की ट्रेनिंग करवाते हैं, और वर्ल्ड में जो मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ, इंडिया में वो
टॉप पे है और इट इज वर्ल्ड वाइड नोन. तो मतलब आज भी अगर गूगल पे आप नाम सर्च करेंगे तो इंडिया में दो अवार्ड हैं जो आज तक की हिस्ट्री में सिर्फ मुझे ही मिले हैं अपनी ट्रेनिंग के चलते. उसके बाद उसका ट्रेंड आएगा कि आगे में भी और लोग इसको अचीव कर पाए, लेकिन मुझे वो सबसे पहले मिले हैं तो उसका क्रेडिट लाइफ लॉन्ग हमेशा वो साथ जुड़ा ही रहेगा. हमारा अपना फ्लाइंग क्लब भी है, हम पायलट्स को ट्रेनिंग करवाते हैं कि कैसे जहाज उड़ाना है, उसमें क्या नॉलेज चाहिए आपको, और वर्ल्ड में सबसे टॉप रैंकिंग पे हमारा आज के दिन फ्लाइंग क्लब है. वाओ सुपर्ब. जितने भी लोग हैं और लोग सुन रहे हैं वो इस चीज की पुष्टि कर सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं, रिव्यूज देख सकते हैं, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा. और ये हमारी पिछले 10 साल से ज्यादा की मेहनत है. मैंने 18 साल की एज में अपने पायलट बनने का सपना शुरू कर दिया था, वो जर्नी स्टार्ट कर दी थी मैंने. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस. अच्छा अभी आप एक चीज और लास्ट में, क्योंकि मन नहीं कर रहा आपको जाने दें कहीं भी आज, है ना, पकड़ के रखने का मन है तो खैर कोई बात नहीं. लास्ट में अभी आप एक इतनी बड़ी पोस्ट में होने के बाद अभी आपका स्टार्टअप है, आप IFA के ओनर हैं और अभी आप स्पेशल एजेंट हैं एटमी के अंदर. तो आप स्पेशल एजेंट होने के बाद भी ये कॉन्फिडेंस लेवल है और आप कैसा सर महसूस करते हैं स्पेशल एजेंट वाली फीलिंग, बस उसे थोड़ा सा बताइए कि अभी स्पेशल एजेंट अभी सेल्स मास्टर अब जाएंगे तो क्या फीलिंग होती है दिल से एकदम. जी अनुज जी, जब भी मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ और अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस एटोमी के बारे में सोच के, क्योंकि मेरा अपना एक विजन है. मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ कि कल के दिन एटोमी में रहते हुए मेरा क्या फ्यूचर होने वाला है. और ये मेरा ही नहीं, ये उन सब लोगों का है जो हमारे साथ जुड़े रहेंगे. बस मैंने जो चीजें बताई आपको कि बस इन तीन ऑब्स्ट्रक्शंस को हमारी टीम ने पार कर लिया तो एटोमी में भी हमारी टीम, स्पेशली हिसार अल्टीमेट की टीम सबसे ऊपर रहेगी. हम सब लोग जो इस टीम से जुड़े हुए बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर. और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ अनुज जी, मैं इस चीज को बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकता हूँ कि इसका क्या फ्यूचर होने वाला है. बस आपको पूरे जोश से, पूरी एनर्जी से इसमें जुड़ा रहना पड़ेगा और अपनी नॉलेज को दिन ब दिन और ज्यादा बढ़ानी है, अपनी ग्रूमिंग करनी है, लोगों के सामने अच्छे से प्रेजेंट करनी है चीजों को, आलस नहीं लेके आना है. बस इन चीजों पे हम काम करते रहेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मैम. हालांकि ये तो आउट ऑफ सिलेबस में जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक आपसे भी और एक ही लाइन में जानना चाहूंगा, एक या दो लाइन भी कर लेना कोई बात नहीं है. आप बस ये बता दीजिए कि आज आप पूरे देश की जितनी हमारी महिलाएं हैं, जितनी हमारी नारी शक्ति हैं, और जो उनके पास बहुत सी जो महिलाएं हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं आज की डेट में, बहुत अच्छी लीडर हैं जैसे मुकेश मैम को आज आपने सुना, तो उनके पास बहाने तो नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जिनके पास बहाने हैं कि मुझे घर का काम है, मुझे तो ये भी करना है, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभालनी, अरे मैं तो जॉब भी करती हूँ, ये सब काम तो आप भी करती हैं. तो मैं बस एक दो लाइन में आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप क्या संदेश देना चाहेंगी, पूरे आज पूरा भारत आपको सुन रहा है, नो डाउट कल पूरा वर्ल्ड सुनने वाला है, आज आप एक लाइन के माध्यम से बताइए कि क्या आपका मैसेज है एटमी के लिए, सभी महिलाओं, पूरी नारी शक्ति के लिए. जी जी, मैं बस सब मेरी बहनों को यही बोलना चाहूंगी कि आप वुमेन कैन डू वंडर्स. ये देखो जहां भी हम कोई भी इतिहास उठा के देख लें कि हर चीज के पीछे ना वुमेन का हाथ होता है. तो वुमेन में इतनी पावर है कि वो चाहे तो किसी को भी गिरा दे और वो चाहे तो किसी को भी कहीं से भी उठा सकती है, किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है. तो यहाँ पे हम एक वुमेन के पास इतना अपनी वो शक्तियों को एक संजो के लोगों को, भाइयों को, अपने पति को, अपनी फैमिली को उठा के लेके चलें, और बड़ा ही उनमें एक प्रेम भाव होता है, उनमें केयरिंग नेचर ऑलरेडी होता ही है. तो क्योंकि माँ का स्वभाव होता है उनके अंदर, बहन का स्वभाव होता है, तो वो बहुत अच्छी उनके अंदर एक स्किल्स है कि किसी को भी वो ना बहुत अच्छे से समझा सकती हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकती हैं और लोग उनको सुनते हैं. क्योंकि एक हमारे पास दैवी शक्ति भगवान ने दी हुई है, हमारे पास वो एक चुंबक वाली चीज है, तो हम उसको एक बहुत अच्छे रूप में यूज कर सकते हैं कि हाँ भाई देखो हम ये यूज करते हैं, और लोगों सब लोग लेडीज की रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सुनते भी हैं,
अगर आप उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, यू शुड हैव अ नॉलेज अबाउट इट फॉर श्योर, कि आप, क्योंकि नॉलेज ही बोलती है. नॉलेज होगी एटोमी के बारे में, आप चार शब्द बहुत अच्छे से बोल पाएंगे. आप यूज करेंगे तभी नॉलेज होगी. तो फर्स्ट यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट्स. पहले हमें यूज भी करना होगा तो उससे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. जैसे कि मैं यूज कर रही थी तो मुझे कॉन्फिडेंस आता गया कि हाँ भाई ये ऐसे यूज करना है. जैसे कि मेरा शैम्पू खत्म हो गया तो सडनली मेरे को फील आया कि चल यार मार्केट के शैम्पू से तो अच्छा है, मैं ऑर्डर करके मंगाऊं, तो मैं बच्चे का ये जो है इसी से ही अपना यूज कर लेती हूँ. फेस वॉश भी वही कर लिया और हेड वॉश भी उसी से कर लिया. तो ये बहुत ही अच्छा एक आप कह सकते हो कि बिलीफ सिस्टम हमारे बॉडी में होता है, हमारे दिमाग में होता है. वही चीज हमें दूसरे लोगों को जगाना है. और महिलाएं क्या है, महिला बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर सकती हैं. बहुत देखो बहाने तो हमारे पास बहुत सारे लग सकते हैं. बहाने एक्चुअली बहाने तो शुरू से हम बचपन से सीख लेते हैं, स्कूल में ना जाने के, कॉलेज में ना जाने के, अच्छे नंबर ना आने के. लेकिन जो जिस इंसान ने ये ठान लिया कि मुझे ये करना है तो वो कैसे भी करके टाइम निकालेगा, कैसे भी करके. क्योंकि टाइम हमें फॉलो नहीं करता, हमें टाइम को फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, टाइम हमारे पीछे नहीं भागता, हमें टाइम के साथ चलना पड़ता है. तो यू हैव टू मैनेज. उसके लिए आप ऑर्गेनाइज बनिए, आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए, जैसे कि मैं करती हूँ कि मुझे ये टाइम पे ऐसे करना. ये मेरे को बोलते हैं कि तू इतना जल्दी में एक टारगेट लेके क्यों खाना बनाती है. मुझे बहुत, आई लव कुकिंग एक्चुअली. मेरे पास सर्वेंट भी है लेकिन मैं बोलती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है. हम लोगों की लड़ाई होती है, नहीं 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 तेरे को नहीं बनाना, वो बना लेगा. तो ऐसे करके, लेकिन ये है, मैं ये इसलिए ऐसे बता रही हूँ हंसाने के लिए सबको. तो मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मेरे पास भी बहुत टाइम होता है, मतलब मेरी जॉब के लिए और ये सब चीज़ों के लिए, लेकिन मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ. मैं स्लिप बना लेती हूँ, अपनी चिट्स बना लेती हूँ कि मुझे ये इस टाइम पे ऐसे करना है, इस टाइम पे ऐसे करना है. बस लेडीज को थोड़ा सा ये होता है कि अगर वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करें सारी चीजों को, टाइम टेबल बना के रखें कि हमें इतना टाइम कुकिंग में लगाना है, इतना टाइम मेरा ये, तो डेफिनेटली 24 आवर्स में यू विल गेट वन और टू आवर्स. डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप कर सकेंगे. एक जॉब करते हुए भी जब मैं निकाल सकती हूँ तो हर कोई निकाल सकता है. तो बहुत अच्छा है, आप लग जाइए. कहते हैं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है और कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना पड़ता है. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर. क्या जबरदस्त तरीके से आज आपने समा बना दिया. और मैं AITF ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके फ्यूचर के लिए. जल्दी सेल्स मास्टर बनिए और 11 नवंबर को हम सेकेंड एनिवर्सरी को आपको लाइव देखने का मौका मिले, ऐसी हमारी तरफ से शुभकामनाएं. और सभी लीडर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन एंड थैंक यू सो मच. और अभी मैं अरुण सर से पूछूंगा कि सर क्या, क्योंकि टाइम भी आज हो गया है, अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी का सर मन है? नहीं भरा अनुज जी, किसी का मन नहीं भरा, इसमें कोई डाउट नहीं है. और इतने मतलब सबसे पहले मैं थैंक यू कहूंगा सर को भी और मैम को भी. अमेजिंग, वंडरफुल, जबरदस्त, कमाल, धमाल, सुपर्ब सेशन. मतलब कहते हैं ना कि आपने बहुत सबकी लाइफ में एक मोटिवेशन दिया है कि आप उस मतलब किस लेवल पे हो के आपका विजन, आपका सोच है कि मेरे को फ्यूचर के लिए क्या करना है. मतलब हम मतलब क्यों नहीं सोच रहे दोस्तों, ये सोचना पड़ेगा. कि ये सबसे बड़ा मैसेज था सर कि मतलब जरूर सोचिए, क्योंकि एटमी वो आपकी जिंदगी बदल देगा. मैम ने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया, उनका नाम सुरेंद्र वस्त जी है जो मैम के उधर रहते हैं. वो इतना अर्निंग कर रहे हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसे मैम ने बताया कि वुमेन्स कितना अच्छा करते हैं. हमारे इम्पीरियल मास्टर ने भी यही कहा, जिसकी टीम में जितनी वुमेन्स उसकी उतनी चांदी, सोना या डायमंड, हीरे जो भी कह लीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा करते हैं. और कोई शक नहीं, इवनिंग केयर अगर गिफ्ट करना पड़े तो भाई कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इतने बड़े स्टार मिल सकते हैं आपको. तो मतलब कि कहीं पे भी जा सकते हैं अनुज जी, किसी को भी दे सकते हैं. हमारे प्रोडक्ट में वो जादू है, वो शक्ति है, वो क्वालिटी है, तभी तो हम कहते हैं एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस, राइट? तो अमेजिंग, थैंक यू, थैंक यू अनुज जी. मैं अजीत सर को सबसे पहले और एक बार बहुत बड़ा थैंक यू कहूंगा कि इन पर्सनालिटी से रूबरू हम नहीं हो पाते अगर आप इवनिंग केयर गिफ्ट नहीं करते. बिल्कुल बिल्कुल,
हम भी ले लेंगे एक अब उनसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? और बिल्कुल, और मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे साथ सेल्स मास्टर जोगिंदर सर कनेक्ट हो पाए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फिर हम जब अपना नेक्स्ट सेशन होगा, अभी वो वेट करा रहे हैं हमें, कोई दिक्कत की बात नहीं। और नेक्स्ट सेशन में हम जरूर, कभी ऐसा मौका बनेगा तो सर को जरूर सुनेंगे, सेल्स मास्टर जोगिंदर सर को। और अभी मैं यहाँ पर चलना चाहूंगा हमारे ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के वन मोर डायनेमिक पर्सनैलिटी सेल्स मास्टर रितेश रंगारे सर की तरफ। सर अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर है तो प्लीज सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए और गाइड कीजिए। सेल्स मास्टर रितेश रंगारे सर, वेलकम। रितेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मे बी सर मुझे लगता नहीं, ओके शायद से नहीं, वो कहीं ट्रैफिक में थे मे बी, और अनम्यूट शायद से, मतलब वहाँ पे नेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं अभी सभी लीडर्स का दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, और आज जो मेरे साथी थे अरुण मीना सर मेरे बड़े भाई होस्ट, उनका भी दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा, और जितने मेरे सारे स्पीकर्स थे उनका दिल से धन्यवाद, सभी जितने भी यहाँ लीडर्स कनेक्टेड थे सभी का दिल से धन्यवाद, AITF कोर टीम को दिल से धन्यवाद, और पूरे हिंदुस्तान को दिल से धन्यवाद इतना प्यार इतना मान सम्मान देने के लिए। और दिल्ली में आप सभी आप थे और एक जबरदस्त शानदार अभी जो सेमिनार हुआ उससे आपने बहुत लर्निंग ली होगी, तो बढ़िया आगे दोस्तों। और अभी तैयारी कीजिए, एनिवर्सरी आने वाली है नवम्बर में, उसकी जोरदार तैयारी कीजिए अपनी टीम के साथ, बढ़िए आगे। मेरी शुभकामनाएं, हमारी सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपना जो शुरुआत और कंपनी मोटो के साथ कर, राकेश सर आ गए, ओके आके ओके। राकेश सर मैं चाहूंगा कि प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करें, और सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश सर प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच अनुज जी, और मैं तो आपको देखने आता हूँ अनुज जी, और मैं आपकी आवाज सुन लेता हूं तो मेरा नेक्स्ट एक वीक का जो होता है ना मेरा डाइट कंप्लीट हो जाता है, राइट। और मजा आता है AITF के प्लेटफॉर्म, और आज जो हम लोग जिस कपल को सुने हैं और कमाल का है, मतलब आप देखो सारे हर एक कैटेगरी के लोग अब धीरे धीरे करके इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के IAS ऑफिसर से लेकर के डॉक्टर कम्युनिटी से लेकर के, और आज हम लोग एक पायलट को भी सुन रहे हैं, सारी चीजें हम लोगों ने देखा, तो दैट मीन्स कि इस बिजनेस में, और जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, मैं बड़ा सरप्राइज हूँ इनके वर्डिंग्स को सुना, मतलब दोनों जने को सुन के लगा कि जो कन्विक्शन और जो अंडरस्टैंडिंग है कमाल का है। तो स्पेशल एजेंट चलो एक रैंक है, वो तो आज है कल चेंज हो जाएगा, राइट, बट आप ये लोग इन फ्यूचर बड़े बड़े लेवल पे अचीव कर सकते हैं, ये दिख जाता है, बातों से समझ में आ जाता है कि बड़े लेवल पे खेल सकते हैं ये लोग, राइट, और सभी लोग कर सकते हैं इन फ्यूचर इस बिजनेस के अंदर। और एटमी की जब हम लोग बात करें, इनफैक्ट आज मतलब ग्लोबल जिस लेवल पे प्रेजेंस कंपनी का बन रहा है, और इंडिया के अंदर जो इसकी जिस लेवल पे काम हो रहा है, मैनेजमेंट के जो जिस लेवल पे रफ्तार में प्लानिंग चल रही है, जिस पे हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस बिजनेस में सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, फिर भी सक्सेस रेशियो बहुत कम है। रीजन केवल ये होता है कि लोग इसको पार्ट टाइम करते जरूर हैं, लेकिन पार्ट टाइम सोचते हैं, आप इस बिजनेस को केवल फुल टाइम की तरह सोचना स्टार्ट कीजिए, भले आप पार्ट टाइम काम करो, इस बिजनेस को बिजनेस की मैन की तरह अगर आपने सोचना स्टार्ट कर दिए, तो इस बिजनेस में आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट जब पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपकी एक्टिविटी और आपकी डेली एक्टिविटी जो है ना वो निकल के सामने आ जाएगी, राइट। और बहुत सारी बातें हैं अभी, लेकिन जब मैं अभी इनफैक्ट इतने सालों से इस इंडस्ट्री को देखते आए, काम करते आए, राइट, और बहुत डिफरेंशिएट मैं जब करना नहीं चाहता किसी दूसरी कंपनी के साथ, लेकिन अगर करने बैठूं तो इतना डिफरेंस है कि मैं आपको अगर एक एक पॉइंट करके मैं समझाना स्टार्ट करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि बाकी और इस एटमी में क्या डिफरेंस है, राइट। उस चीज पे हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इतना केवल समझना कि एटमी की पावर बहुत स्ट्रांग है, ये कोई आसान कंपनी नहीं है, ये कोई बहुत हल्की कंपनी नहीं है, राइट, और हमें सबसे बड़ी जो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल लेवल पे अपना प्रेजेंस बनाने का है, जो कि और दूसरी कंपनी शायद आपको यहाँ पे नहीं दे पाएगी, एक ही पॉइंट में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ग्लोबल प्रेजेंस की जब हम लोग बात करेंगे, वो आपको दूसरी कोई कंपनी नहीं दे सकती जितना जिस लेवल पे आपको एटमी दे सकती है, राइट। इस बिजनेस को एंजॉय कीजिए और आगे बढ़ाइए, कारवां को आगे बढ़ाइए और रैंक अचीवमेंट लाइए और सक्सेस। इस बिजनेस में रुकना बिल्कुल नहीं है, हमें जो जिस लेवल पे भी हैं वहां से काम को आगे बढ़ाते हुए चलना है, और इंपीरियल से पहले सांस मत लीजिएगा, मतलब इंपीरियल से पहले ही
जो वहां तक पहुंचने तक लगातार अपने मोमेंटम को बनाए रखिए। इस बिजनेस में बहुत जरूरी है कि एक रफ्तार पकड़िए तो उसको मेंटेन रखिए। कभी गाड़ी की माइलेज सही मिलेगी, कभी एक्सीलेटर तेज करोगे, कभी ब्रेक मारोगे, बहुत ज्यादा चेंज करोगे, गाड़ी की ना माइलेज निकल पाओगे ना सही टाइम पे पहुंच पाओगे। एक रफ्तार पकड़िए और उस रफ्तार को निकल पड़िए उस रफ्तार में, जिस रफ्तार में आज हमारे साथ अरुण जी चल रहे हैं, अनुज जी हमारे साथ हैं, नितेश रंगारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम लोग सब लोग आप मिलकर की जिस लेवल पे एफर्ट पुट कर रहे हैं तो आने वाला समय सभी लोगों के लिए राइट। और आज के स्पीकर मैंने बस जैसे ही मैं एंटर किया तो मैं इन लोग को सुन रहा था, शेखावत फैमिली को मैं सुन रहा था, और दमदार है, दमदार लीडर है, मतलब रेयर नए लोगों में बहुत कम लोगों को कम टाइम होता है जब मैं ऐसे लीडर को देख पाता हूँ सुन पाता हूँ। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने समय निकाला और हमारे साथ कनेक्ट हुए, अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, बहुत ही रिच एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। और ये आप जैसे शख्सियत जब इस तरीके के बिजनेस में हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक हमारा भी एक हमारे साथ साथ हमारी टीम का भी एक जो होता है मोरल काफी बूस्ट अप होता है राइट। और ये बहुत जरूरी होता है और आप लोगों ने इस बिजनेस को समझा और इतने शिद्दत से इस बिजनेस को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 110% आप लोगों को इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। मैंने दोनों को आप दोनों की वर्डिंग सुने हैं, आप लोगों को इस बिजनेस में कोई रोक नहीं सकता। सो विश यू ऑल द बेस्ट, इतना ही मैं मेरी तरफ से राइट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू और इसी तरीके से कनेक्टेड रहें। और EITF प्लेटफॉर्म के जितने भी सेशन ऑर्गेनाइज करके आपके सामने लेकर के आते हैं इसको जरूर आप लोग अटेंड किया कीजिए राइट। और आज का सेशन स्पेशली अनुज जी बहुत ही शानदार होस्टिंग, आप तो मास्टर हो, आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और वो जो पिटारा आपके पास है, वो जो शायरी वाला जो पिटारा मैं कई बार आपसे मांगा हूँ, उसको आपने पेटेंट करवा लिया है, एक बार मेरे को भी शेयर कीजिए, थोड़ा सा उस पे हम भी मास्टरी कर लें राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू लेडी, हम सब आपसे बहुत सीखते हैं। और थैंक यू सो मच राकेश सर, आपने इतनी शानदार जानदार वैल्यू एड करी लास्ट में आके और सभी को बहुत अच्छे से समझा भी दिया कि पूरे सेशन में एक्चुअली क्या चला है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू सो मच सर। अभी मैं देख रहा था हैंड रेज था हमारे EITF कोर मेंबर्स संतोष सर का, जो बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है। सर अगर संतोष सर मेरी वॉइस आ रही है तो आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। सर संतोष सर, हाँ, बहुत बहुत स्वागत सर आपका, को होस्ट है संतोष सर हमारे जी। संतोष सर सुन पा रहे हैं आप? आई थिंक संतोष सर का वो भी नहीं है। हाँ, हैंड रेज हुआ था राइट, ओके, नो डाउट। अभी ठीक है सर, लास्ट में एंड की तरफ चलते हैं, तो सर आप एंड कर दीजिए सर सेशन का राइट। अनुज जी मोटो, बिल्कुल मोटो करते हैं सर और एंड करते हैं सर राइट। तो सभी लोग मोटो के लिए रेडी होंगे और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप सबको उतना पसंद आया होगा जितना आपकी उम्मीद से ज्यादा, क्योंकि ये हुआ है आज। तो थैंक यू सभी को, जितने भी लोग अभी भी बने हुए हैं। तो चलिए हम मोटो के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। तो मोटो स्टार्ट करते हैं, चेज इज द स्प्रिट, क्रिएट द विजन, क्रिएट द विजन, फॉलो द फेथ, फॉलो द फेथ, फॉलो द फेथ, ह्यूमिलिटी। Come on, let's do it. All the best. Thank you all speaker and thank you all leaders. सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, फिर मिलते हैं। Thank you.